ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में डगन बॉस लॉस सैंटोस में अपने फ्रेंड की पार्टी में आया था और उसी पार्टी में घुसकर उसके सभी बॉडीगार्ड्स को मार के हम लोगों ने उसे अंदर ही किडनैप कर लिया, ताकि हम लोग उसे टॉर्चर करके उससे ये बुलवा सके कि जितने भी टेररिस्ट हैं वो मिलिट्री कैंप को छोड़ दे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था जितने भी टेररिस्ट हैं वो सारे के सारे डगन बॉस के नीचे काम करते हैं। बट यार, हम लोग गलत थे। वो सारे टेररिस्ट मेन बिग माफिया के भाई के लिए थे, तो डगन बॉस अपने उतना काम आया नहीं। लेकिन हमने क्या करा कि टेररिस्ट का ही एक क्विंजेट चुरा कर उनकी जो सबसे खतरनाक वाली शिप है, जिससे हमें सबसे ज्यादा खतरा था, जिसके अंदर कुछ ऐसे वेपन्स थे जो कि पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर सकते थे, हमने उस शिप के ऊपर अटैक कर दिया और उस शिप को ब्लास्ट करा। और इन टेररिस्ट को हमने बोल दिया था कि तुम बस इसे माउंट शिलाड़ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि हम लोग बिग माफिया के भाई को लेकर मिलिट्री बेस के अंदर नहीं आएंगे, वहां बहुत खतरा है। तो जब वो से माउंट शिलाड़ पर लेकर आए, हमने शिप ब्लास्ट करी, सीधा उनके ऊपर अटैक करा और मिलिट्री कर्नल को छुड़ा लिया। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि टेररिस्ट ने मिलिट्री कर्नल के पेट में भाई चाकू मार दिया था। अच्छी बात तो ये कि हम लोग उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आ गए थे। उसके बाद भी हमारे पीछे काफी सारे टेररिस्ट पड़ गए थे और अभी मिलिट्री कर्नल यही हॉस्पिटल में है। फिलहाल यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है ताकि टेररिस्ट वगैरह को शक ना जाए। थोड़े बहुत मिलिट्री सोल्जर्स हमने अंदर की तरफ में लगा दिए हैं। अभी फिलहाल देखो, मेरे को ना आज भी काफी सारे काम है। सबसे पहले तो हमें जाना है भाई फ्रैंकलिन को लेने के लिए। मतलब उस टाइम सीन कुछ ऐसा हुआ था कि फ्रैंकलिन भी मिलिट्री बेस से निकलकर भाग गया था और अभी ट्रेवर उसे ढूंढने गया हुआ है और उसका कॉल आया था कि वो शायद से मिल गया, एक गाड़ी मिली है पानी में डूबी पड़ी है, वो शायद से वो फ्रैंकलिन की गाड़ी है। और वो देखो भाई सब सामने की तरफ में मिलिट्री कर्नल अंदर लेटा हुआ है वो, और डॉक्टर शायद से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पता नहीं भाई, उसके पेट में चाकू लगा, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी फिलहाल यार जल्दी से हम लोग भी यहां से निकलते हैं। मैं एक अपने फ्रेंड की बाइक लेकर आया हुआ था, उसका भी यहां पर लॉस सैंटोस में एक बहुत तगड़ा शोरूम खुलने वाला है, तो वो अपना दूसरी कंट्री का फ्रेंड है। फिलहाल ये उसी की बाइक है, थोड़े दिन के लिए उसने हमें दी है। फटाफट से गाइस इस बाइक को लेकर निकलते हैं। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब यहीं पर पास में पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां से मेरे को एक टो ट्रक चाहिए, क्योंकि अभी ट्रैवर का फोन आया है और वो कह रहा है कि एक गाड़ी मिली है जो कि किसी लेक में ना डूबी पड़ी है। मतलब उतनी नहीं डूबी, बस एकदम ना कॉर्नर में जाकर किसी कीचड़ में फंस गई है, और वो लोग ट्राई कर रहे हैं किसी नॉर्मल टो ट्रक से उसे निकालने का, पर वो जो गाड़ी है बाहर आने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए हमें ट्रैवर कह रहा है कि फटाफट से ना पुलिस वालों का टो ट्रक लेकर आ जाओ, क्योंकि उसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है। तो भी फटाफट से यहाँ पर मैं सीधा पुलिस डिपार्टमेंट तो पहुँच चुका हूँ, बट मेरे को ओ थोड़ा सा आगे चलो। अभी फटाफट से हम लोग पहले आगे चलते हैं और फटाफट यहीं से हम लोग पुलिस वालों का टो ट्रक उठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं सीधा फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। वैसे यार हमने पुलिस वालों की इतनी हेल्प करी है तो ये लोग हमें मना तो नहीं करने वाले टो ट्रक लेने के लिए। और लेट्स गो गाइस, यहाँ पर टो ट्रक खड़ा भी हुआ है। वैसे इतनी जल्दी होता नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से इनके पास एक ही टो ट्रक है। फटाफट से गाइस इसके अंदर बैठते हैं और अभी फटाफट से हम लोग जाने वाले हैं सीधा ट्रैवर के गाँव में। मतलब कि ओके एक सेकंड यार, पहले मैं अपनी ये बाइक ना साइड लगा लूँ, क्योंकि ये मेरी बाइक नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी है, निंजा कावा H2, तो इसे एकदम आराम से ना साइड में अंदर ही पार्क कर देते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई खतरा तो है नहीं अपनी बाइक को, क्योंकि यार पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसे किसी और फालतू बंदे का गैराज नहीं है। भी फटाफट से बैठते हैं इसके अंदर और जल्दी से पहले निकलते हैं ड्राइवर के गांव के लिए। बट उससे पहले मैं चेक कर लूँ ये काम तो कर रहा है ना, पता चला मैं इसे वहां तक लेकर चला गया और बाद में काम ही ना कर रहा। ओके तो ये मेरे हिसाब से तो पूरा वर्किंग है। इसको फटाफट से उठाते हैं और अभी जल्दी से ओ हेलो 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 भाई, ये क्या कर रहा है बंदा इधर? पुलिस डिपार्टमेंट की एंट्रेंस उधर से और ये पीछे से आ रहा है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं LSPD का टो ट्रक लेकर ट्रैवर के गांव यानी सैंडी शोरस पहुंच चुका हूं। और अभी ना मुझे लेस्टर का कॉल आया और वो ये कह रहा है कि ट्रैवर ने ना तुम्हें गलती से गलत लोकेशन भेज दी है। मतलब इस जगह पर हमें फ्रैंकलिन की कार नहीं मिली है, जो लोकेशन सही वाली है वो लेस्टर ने हमें रीसेंड करी है। तो भी फटाफट से हम लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। बाकी यार अभी ना बीच रास्ते में हमें डगन बॉस का भी कॉल आया था, उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, बट वो कह रहा है कि अभी वो दो दिन तक ना बेड से नहीं उठ सकता, क्योंकि टेररिस्ट ने उसे भाई मारा भी बहुत था दो तीन दिन पहले, और उसके बाद एंड डे पर उसके पेट में चाकू मार दिया। बट अच्छी बात तो यह है कि उसे जिंदा नहीं मारा, वरना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो वो कह रहा है कि बस उसके लिए ना एक छोटा सा काम और करना है कि जो डगन बॉस है ना उसको प्रिजन तक पहुंचाना है। मतलब क्या अभी ना भाई मिलिट्री कर्नल भी कुछ अलग ही लेवल गेम खेल रहा है, सारे के सारे तगड़े काम भाई हमसे ही करवाया जा रहा था कि उसकी खुद की जान खतरे में ना आ जाए। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल वो एक टाइप से अपना दोस्त है, क्योंकि भाई उसने भी हमें कई बार छोड़ दिया है। और अभी फटाफट से गाइस हम लोग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हमें फ्रैंकलिन की कार मिली है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपना टो ट्रक लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर हमें फ्रैंकलिन की कार मिली है। और गाइस इस टाइम पर मैं इतना ज्यादा घबराया इसलिए हुआ हूं क्योंकि अपने राइट साइड में पूरा का पूरा मिलिट्री बेस है जिसके ऊपर टेररिस्ट ने कब्जा कर रखा है। तो बस दिक्कत की बात यही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फ्रैंकलिन की गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल रहा हूं और इस टावर पे कोई टेररिस्ट चढ़कर
बैठा हो जो हमें देख ले और वहीं से सीधा हमारे एक आरपीजी बजा दे। बट यार ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं और एकदम गंदी सी जगह है ये। मतलब ये पानी है या फिर नहीं, नहीं कीचड़ तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पता नहीं उसकी गाड़ी फंस कैसे गई और आखिरकार है कहाँ पर, मुझे तो ये भी नहीं नज़र आ रही। ओके 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 ओके, दिखी सामने की तरफ में ही है। फटाफट से अपने टो ट्रक को ये नदी पार कराते हैं, जल्दी से सामने चलते हैं। और फ्रैंकलिन की, हेलो भाई, ये एक सेकंड, कुछ ज़्यादा हॉर्स पावर नहीं लगा दी भाई? छोटे से पौधे में कितनी ज़्यादा जानती, पूरी गाड़ी ऊपर उछाल दी। चलो कोई नहीं, फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग पहले यहाँ से आगे लेकर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी गाड़ी निकालने के लिए आऊँ और खुद अपनी गाड़ी फंसा दूँ। और ये देखो भाई, ये अंडर वाटर माफिया कहीं पर भी शुरू हो जाता पुशअप्स मारना। ओ भाई साहब, एक सेकंड, मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक गाड़ी फंसी हुई है, और यहाँ पर तो अलग ही बवाल मचा हुआ है। दो दो तीन तीन टो ट्रक और क्या बड़ा वाला ट्रक भी ये लोग लेकर आ गए। लग रहा है उससे भी फ्रैंकलिन की गाड़ी नहीं निकली है। और इधर काफी सारे टेररिस्ट भी मरे पड़े हैं। मतलब ये चल क्या रहा है भाई इधर, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मतलब क्या, आप लोग एक बार ये देखो, मेरे को तो पता है क्या लग रहा है कि जब फ्रैंकलिन मिलिट्री बेस से भागा था ना, तो उसके पीछे काफ़ी सारे टेररिस्ट पड़ गए होंगे और यहाँ पर आकर इनका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और पहले मैं देख कर तो आखिरकार फ्रैंकलिन है कहाँ पर। भाई काफ़ी सारे टेररिस्ट इधर मरे पड़े हैं भाई। अच्छी बात तो ये है कि फ्रैंकलिन ने अकेले ही इन सबको भाई मार गिराया, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे मारा। और भाई सच्ची में ये फ्रैंकलिन ही है भाई, और ये लोग ने आके देखा तक नहीं क्या ऐसे, इनको पता 100% श्योर नहीं था कि ये फ्रैंकलिन है। बाकी ये वाली गाड़ी जिसमें से ठुकी है ना इसकी गाड़ी, ये गाड़ी पूरी ब्लास्ट हो गई है और ये वाली गाड़ी से भी धुआं निकल रहा है बहुत गंदी तरह। बट अच्छी बात तो ये कि फ्रैंकलिन की गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई। अभी चलो मैं ट्राई करता हूँ उसकी गाड़ी यहाँ से बाहर निकालने का। ये देखो, ये जो टो ट्रक है ना, ये इसे निकालने आया था और खुद ही यहाँ पर पानी में फंस गया है। और ये वाला टो ट्रक भी पूरा डूब चुका है भाई। ये कीचड़ कुछ ज़्यादा खतरनाक है यार, कहीं अपना ट्रक भी ना फंस जाए। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं फटाफट से उसे निकालते हैं। बाकी ये लेस रोड ड्राइवर अपना इधर, भाई ये वाली गाड़ी में तो अभी तक आग लगी हुई है, बहुत खतरनाक टेररिस्ट लगा इस ये वाले। बस अपनी गाड़ी फंस ना जाए वरना फ्रैंकलिन यहीं पर फंसा रह जाएगा। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, गेट खोल के उसकी बॉडी हम लोग बाहर, बॉडी नहीं जिंदा है भाई, वो भी मरा नहीं होगा यार, पानी में डूबा होता ना तो मर गया होता, वो बेहोश हो गया एक्सीडेंट की वजह से। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से मैंने अपने टो ट्रक को मोड़ लिया है, जल्दी से हम लोग इसे सीधा पीछे लेकर चलते हैं और ट्राई करते हैं इसको इस गाड़ी से अटैच करने का। प्लीज यार एक ही बार में हो जाएगी तो, ओ वाओ भाई साहब। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से हम लोग इसे खींचते हैं। वैसे यार सच्ची में यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना भी टो ट्रक बहुत गंदी तरह फंस चुका है भाई, गाड़ी बिल्कुल भी आगे आने का नाम नहीं ले रही है। या तो ये कार, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि सच्ची में बहुत ज़्यादा भारी है। ये देखो मैं कहाँ खींच रहा हूँ, वो जा कर रही है। एक मिनट रुक जाओ भाई, भाई मेरे को लग रहा है गाइस अपना ट्रक भी पूरा इसके अंदर फंस चुका है। रुक जाओ एकदम तरीके से इसे निकालेंगे। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल अपना भी टो ट्रक इस गंदे कीचड़ में बहुत बुरी तरह फंस गया है भाई, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा दम लगा देंगे। और ये ओ भाई भाई भाई, टेररिस्ट के ऊपर ही चढ़ गई। चलो कोई नहीं, अच्छी बात तो ये है कि थोड़ी ओके अब तो आराम से निकल जाएगी। चलो गाइस लेट्स गो। वैसे यार सच्ची में ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा भारी है, अभी फिलहाल इसको हम लोग यहीं पर खड़ा करते हैं और जल्दी से फ्रैंकलिन को बाहर निकाल के उसे होश में लाते हैं पहले। भाई पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसका सिर आगे भिड़ गया होगा और जिस वजह से वो बेहोश हो गया है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हमें पहले ना इसकी बॉडी को यहाँ पर बाहर करना पड़ेगा। चल बेटा जल्दी से बाहर आ जा पहले तो तू, और अभी देखते हैं कि आखिरकार हमें इसका ठिकाना कैसे लगाना पड़ेगा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल लेस रोड ड्राइवर फ्रैंकलिन के ऊपर वाटर स्प्रे करके उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार इसकी हालत ना सच्ची में बहुत ज्यादा खराब है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसे होश तो आ गया है बट इसकी आंख जो है भाई वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी ना फटाफट से गाइस मैं सीधा एम्बुलेंस को कॉल कर यहाँ पर बुला देता हूँ, क्योंकि यार वही इस टाइम पर कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं। भाई फटाफट से हम लोग सीधा यहाँ पर 911 पे डायल करते हैं। भाई साहब खुद सोचो, उस बंदे का मतलब एक दिन से, पिछले एक दिन से वो यहाँ पर डूबा पड़ा है पानी में। ओके फटाफट से हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं सीधा, पैरामेडिक। ओके तो चलो भाई, मुझे नहीं पता भी हम लोग कितनी देर में यहाँ पर एम्बुलेंस भेजेंगे, बट अभी मैंने कॉल कर दिया है। तब तक मैं काम करता हूँ, ये जो बाकी ट्रक वर्क है ना इसको भी यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि यार ये अपने शोरूम वाला ट्रक ही अपने काम आएगा बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी लाने में। बाकी जो दोनों टो ट्रक है एक उठा लेते हैं, वो भी अपने काम आने वाला है। बताओ एक टो ट्रक दूसरे टो ट्रक को घसीटने के लिए आया हुआ है, वाह। तो चलो कोई नहीं, सबसे पहले इसको घसीटते हैं। भाई ये मेरे हिसाब से नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके इतने सारे टायर हैं और सारे के सारे टायर उसमें धस चुके हैं बहुत गंदी तरह। भाई यहाँ पर कीचड़ सच्ची में बहुत ज़बरदस्त वाला ही है। और ये जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना मिलिट्री मतलब टेररिस्ट की, ये गाड़ियाँ भी हम लोग उठा कर ले जाने वाले हैं। फिलहाल ये वाला ट्रक पहले मैं उठा लेता हूँ। ओ भाई भाई वो खींच गया भाई साहब, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा टाइट है, पर अपना टो ट्रक भी किसी से कम नहीं है। तो लेट्स गो, इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया।
और ये एम्बुलेंस लाएंगे कहां से, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग अपने हुक को डीअटैच कर लेते हैं पहले तो, और जल्दी से अपने टो ट्रक को लेते हैं दूसरी गाड़ी लेने के लिए, मतलब आगे लेकर चलते हैं। बाकी यार इतनी देर हो गई, अभी तक एम्बुलेंस यहाँ पर आई नहीं और मेरे को लगता भी नहीं है यहाँ पर एम्बुलेंस आने वाली है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग ना इन टेररिस्ट की गाड़ियों को भी पानी से बाहर निकलते हैं, और जल्दी से ना गाइस मैं बैनी को ले जाकर दे दूंगा ताकि वो इसको मॉडिफाई कर एक तगड़ी सी गाड़ी बना दे, क्योंकि इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक बहुत तगड़ी गन लगी हुई है जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। भी फिलहाल मैंने इसे उठा लिया है, जल्दी से इसे भाई साहब बाहर लेकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जो गाड़ी है ना उससे भी काफी ज्यादा भारी है, टायर पूरा का पूरा घूमे जा रहा है। और एक सेकंड भाई हेलो, ये पीछे क्या हुआ? मैंने एक तो भाई गलती से ना लेस्टर की भी गाड़ी ठोक दी जल्दबाजी के चक्कर में, अच्छा हुआ उसके ज्यादा तेज लगी नहीं। लेकिन ये पीछे पानी में इतने सारे बॉम्ब के टेररिस्ट ने अभी मारे हैं या फिर इस गाड़ी से निकल के गिरे हैं, पता नहीं यार क्या हुआ है, बट काफी ज्यादा बॉम ब्लास्ट हो गया पानी के अंदर। चलो कोई नहीं, सही टाइम पर अपनी गाड़ी बाहर आ गई थी, हल्की सी लेस्टर को ठुक गई बट अच्छी बात है उसके ज्यादा लगी नहीं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हमें यहाँ पर खड़े खड़े पूरे के पूरे 15 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आई है, और उसका रीजन मुझे ये मिलिट्री बेस ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी सारे टेररिस्ट है। तो फिलहाल अच्छी बात तो यह कि फ्रैंकलिन को होश आ गया है बट इसे फिर भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो अभी लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तुम इसको छोड़ो, जल्दी से जाओ डगन बोस के पास क्योंकि अभी ना अंडरवाटर माफिया भी यहाँ पर आ गया है। डगन बोस को इसने कमरे में बंद तो कर दिया था बट फिर भी यार हो सकता है वो भाग जाए, भाई जान बहुत ज्यादा है भले उसकी एज ज्यादा है। भी फिलहाल ना इस वाले टैंक को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि अच्छी बात ये है, फ्रैंकलिन कह रहा है कि जो गाड़ी उसने टेररिस्ट से चुराई थी ना ये गाड़ी गोल्ड की है, मतलब प्योर गोल्ड की तो नहीं है बट आप लोग ना एक बार इसके नीचे अलॉय देखो जो इसके टायर के रिम्स है, मतलब उसके अंदर भी गोल्ड लगा हुआ है। और बाकी ये जो गाड़ी है ना मतलब इसके ऊपर एक अलग पेंट हो रखा है बट ये जितने भी इसके आप ये लोहे वाले देख पा रहे हो ना ये सारा गोल्ड है। भाई पता नहीं है फ्रैंकलिन इतना ज़्यादा दिमाग कभी कभार कैसे लगा लेता है। फटाफट से गाइस अभी ये गाड़ी उठाते हैं और जल्दी से इसको चलते हुए शोरूम में छोड़ देंगे और सीधा अभी हम लोग निकलने वाले हैं डगन बोस के शोरूम में, नहीं यार अभी इसको लॉस सैंटोस ही ले चलते हैं। तो गाइस यार सच्ची में फ्रैंकलिन बिल्कुल सही कह रहा है, इसके जो टायर है ना ये मुझे भी गोल्ड के लग रहे हैं और बाकी गाड़ी का जो ऊपर मेन पेंट हो रखा है ना उसको हटा के पता चलेगा ये गाड़ी सच्ची में प्योर गोल्ड की है या फिर हमारे साथ स्कैम हो गया। और अगर ये सही में प्योर गोल्ड की होगी ना भाई अपनी लॉटरी लग जाएगी, इतनी ज़्यादा महंगी बिक सकती है। तो गाइस अभी ना फिलहाल सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये जो गाड़ी है ना इसको अपने शोरूम में ही छोड़ देता हूँ क्योंकि जब से मैंने इसे टॉ करना स्टार्ट करा है ना भाई अपने ट्रक की स्पीड एकदम ही खत्म हो गई है। और वैसे भी यार पहले से रिपेयर करवाएंगे उसके बाद ही तो ले जाकर बेचेंगे, और हाँ पहले ये भी पता करना जरूरी है कि ये रियल गोल्ड है या फिर नहीं। ओ एक सेकंड भाई 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 पहले थोड़ा सा ड्राइविंग पर फोकस कर लेते हैं, पता चला अभी नदी में ही जाके गिर जाते हैं। और ये भाई टेढ़ी मेढ़ी क्यों चलने लगी झटके से, मैं ले जाना कहाँ जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मुड़े जा रही है बट कोई नहीं भाई थोड़ा सा दूर और रह गया, अपने शोरूम हम लोग पहुँच चुके हैं। और सच्ची में यार देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है अपना शोरूम, साइड से तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई सच्ची में इतना ज़्यादा बड़ा है। लेट्स गो भी फटाफट से, बस मेरे को इसे थोड़ा सा दूर और ले जाना है। ये इतने बढ़िया कट पर तो मुड़ नहीं रही, यहाँ कैसे मुड़ेगी? एक सेकंड पहले तुम लोग निकल जाओ भाई फटाफट से, इतना टाइम नहीं है, जल्दी चलो। ओके तो भी फटाफट, ओ भाई वो क्या खड़ा हुआ है? ओके भाई वहाँ पर पिग देखो कितना खतरनाक खड़ा हुआ है। ओके मैंने कभी इसे वैसे देखा नहीं भाई जिंदा, पता चला खाई जाए हमें, वैसे नहीं इतना भी खतरनाक नहीं हुआ। इसमें लायन भी डर डर के भागते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके तो लेट्स गो, फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और वो देखो गाइस बैनी भी बालकनी में खड़ा हुआ है, तो अभी फटाफट से इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, बैनी से अपना आराम से रिपेयर कर देगा। अभी जल्दी से गाइस हमें निकलना पड़ेगा सीधा लॉस सैंटोस के लिए क्योंकि यार इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है हमें, मतलब कि डगन बोस को छोड़ कर ही आना है। और लेस्टर ने गाइस हमें बोला है कि अगर हो सके ना तो उसके पास जितना भी पैसा तुम सीधा सारा का सारा बाहर निकलवाओ क्योंकि यार आपको पता है कि डगन बोस कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है, तो हो ही नहीं सकता कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, तो हमें उसको और टॉर्चर करना है जाकर ताकि वो हमें बताए पैसा उसका कहां पर रखा हुआ है और हम फटाफट से उसे लेकर आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस आप लोग को याद होगा वो एक रेस में एक गाड़ी जीता था, वो गाड़ी का नाम क्या था? हाँ क्वाड्रा, बहुत तगड़ी फ्यूचरिस्टिक कार थी जिस कार को हम लोग उस रेस में हार गए थे। अगर वो कार मिल जाए ना तो पैसों की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से वो कार ना बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और ये मैं कौन से रस्तों से जा रहा हूँ भाई मेरे को खुद नहीं पता ये रस्ते कहाँ जाते हैं, कि मैं माउंटेन पे क्या करने जा रहा था, चलो इस रस्ते से मेरे को जाना था। और यहाँ ये छोटी सी नदी आ गई पता नहीं कहाँ से, ओ भाई 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 आज लग रहा नहीं पहुँच पाएंगे। चलो कोई नहीं यार पहले चलते हैं सीधा डगन बोस के पास, उससे पता करते हैं उसकी सारी गाड़ियाँ कहाँ पर है और उसका पैसा कहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात उसका वो जो बड़ा वाला घर है ना जिसको उसने पूरा रेस्टोरेंट बना रखा है वो घर भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बट इतनी आसानी से नहीं होगा ये सब। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपना टो ट्रक फुल स्पीड में भगाता भगाता ऐसे सीधा लॉस सैंटोस लेकर पहुंच चुका हूँ। और आप लोग ना एक बारी नोटिस करो इस टाइम पर अपना टो ट्रक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, भाई अभी इसकी स्पीड कम कर लेते हैं क्योंकि ये कोई बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं है,
सामने से अगर किसी भी पिलर में ठुक गई ना सीधा ब्लास्ट हो जाएगी। और एक सेकंड, तो चलो गाइस फाइनली हम लोग इसे लेकर सीधा पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। जल्दी से इसकी पार्किंग में से पार्क करते हैं और फटाफट से अपनी निंजा S2 लेकर यहां से निकलते हैं सीधा डगन बॉस के घर। मतलब वो डगन बॉस का घर नहीं है, वो घर तो लेस्टर के फ्रेंड का है, बट अभी डगन बॉस को हमने वहां पर किडनैप कर रखा है, कमरे के अंदर उसे बंद कर रखा है और अभी दबा के उसे टॉर्चर करने जा रहे हैं। और ये पुलिस वाले हमारी गाड़ी की फोटो खींच रहे हैं, वाओ भाई देख रहे हो उस बाइक की कितनी बातचीत है, और ये तो सेल्फी ले रहा है, वाओ। तो वैसे यार ये बाइक शायद से सिंगल सीटर है, बट कोई नहीं है पीछे बैठ जाएगा प्लास्टर। बट डर क्यों रहा भाई, सब साउंड से ही डर रहा है ये तो, इसके इतना भी खतरनाक साउंड नहीं है। वैसे नहीं यार सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक साउंड है। जल्दी से गाइस अपनी निंजा S2 को बाहर निकालते हैं। और भाई ये अपनी नहीं है, मैं बार बार ही अपनी बोल रहा हूँ, इसे हमने खरीदा नहीं है, ये अपने एक फ्रेंड की है, उस फ्रेंड से हम लोग बाद में मिलवाएंगे। वो हमें एक शोरूम दिलाने वाला है, मतलब कि पैसे हमें ही देने हैं, बस उसने बताया है। तो अगर अभी टाइम मिलेगा तो उसके साथ जाएंगे उस शोरूम को देखने। वो इतना ज़्यादा बड़ा शोरूम है कि अगर वो खरीद लिया तो उसके बाद हमें कोई शोरूम खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और गाइस सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जो शोरूम है ना वो एक हाईवे पर है। और भाई ओ एक सेकंड भाई साहब, यार ये ट्रक वाले ने बहुत गलत टाइम पर मोड़ी है, इसकी भैंस की से उतार के मारो। इधर है तेरी गंजे ऐसे की दसी, बैठ बैठ बाइक में बैठ, आज इसका मुंह तोड़ेंगे भाई। भाई साहब निंजा कावासाकी से इसने हमें गिरा दिया, एक मिनट इसका तो भाई मैं बहुत गलत तरीके से मत्था फोड़ने वाला हूँ। भाई भगाएगा अपना ट्रक जल्दी से, रोक तेरी ऐसे की दसी, मार इसको बहुत गंदी तरह पड़ेगी इसके भाई इतनी। ओ एक सेकंड, यहाँ पर और कुछ गुंडे बदमाश आगे लग रहा है हमें मारने के लिए। भाई ये तो अलग ही बंदे हमें मारने आ गए, अच्छा खासा गाड़ी में जा रहा है, तो जा यहाँ से बेमतलब पंगे लेने आ गए। भाई यहाँ कुछ गलत ही सीन है, महंगी बाइक देखी ही नहीं भाई, ठोक डाली उस बंदे ने इतनी बुरी तरीके से। चलो वैसे गलती मेरी भी थी थोड़ी सी, मैं बहुत ज़्यादा तेज भगा रहा था। ओ एक सेकंड भाई साहब, किसी ने गोली मारी है उसके, इसीलिए वो गिरा। भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से भी अपनी बाइक पर बैठाना पड़ेगा, जल्दी 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 बैठ भाई। पता नहीं यार कोई तो है हमारे को बहुत गंदी तरह दूर से गोलियाँ बजा रहा है, बट अभी तक वो मेरे को ना नज़र नहीं आ रहा। तो हाँ गाइस मैं ये कह रहा था सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जो शोरूम है ना वो एक हाईवे पर है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर हमारे फ्रेंड को टाइम मिलाना तो हम लोग उसके साथ आज ही जाने वाले हैं सीधा उस बड़े से शोरूम की डील करने के लिए। मतलब आज सिर्फ देखने जाएंगे और अगर पैसे हुए तो साथ के साथ उसे खरीद भी लेंगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। बाकी तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस कावासाकी निंजा को चलाने में भाई एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है। और इसको चलाते चलाते हम लोग थोड़ा सा गलत आ गए, क्योंकि जिस घर पर हमें जाना था ना शायद से वो घर पीछे रह गया भाई। सच्ची में ये बाइक सीधा एकदम हवा से बातें करती है भाई, कुछ ज़्यादा ही तेज भागने लग गया। ओके लेट्स गो, तो थोड़ा सा आगे और जाना है और अभी हम लोग उसके घर पर पहुंच जाएंगे। ओके तो वो वाली गली आ गई है, मैं तो नहीं यार ये रास्ता ही अलग है, मैं थोड़ा सा रास्ता कन्फ्यूज़ हो गया हूँ भाई। ओ ओ वो रहा उसका घर, बताओ यहाँ से मैं भगाता हुआ ले गया, घर बगल में ही था। तो चलो यार फटाफट से अपनी बाइक को हम लोग अंदर करते हैं। बाकी यार इस बाइक की देखो कितनी खास बात है ना, जो जो आप देखते रह जाओगे। सबसे पहले इसमें व्हीली देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। 3, 2, 1 ओ ओ एक सेकेंड भाई मेरे को पता क्या लग रहा है गाइज, मैं उसकी बाइक का ना स्पीड दूंगा अभी, दो एक बारी तो मैंने गिराई दी है। तो हाँ गाइज अभी फिलहाल आगे ट्रैफिक नहीं है, अब मैं आपको इस बाइक से ना एक बढ़िया सी व्हीली मारकर दिखाता हूँ। मतलब यार सच्चे में इस बाइक को अगर किसी रेस ट्रैक पर ले गए ना तो चलाने का जो मजा है भाई वो एकदम ही अलग वाला आने वाला है, क्योंकि स्पीड भी है और साथ में कंट्रोलिंग तो भाई साहब सच्ची में कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और स्टॉप भी तो मैंने आपको दिखाई नहीं, खैर मैंने कभी ज़्यादा ट्राई नहीं करी है, बट इस वाली बाइक से बड़ी ट्राई करते हैं। हायाबुसा में तो लग जाती है। और भाई इसमें ये देखो इस टाइम पर बाइक सिर्फ आगे वाले टायर पर थी, दोबारा से एक स्टॉप ही मारते हैं और अंदर चलते हैं। भाई मैं कुछ ज़्यादा मजे ले रहा हूँ इस बाइक से, पता चला भाई कहीं ठुकुका जाए और अपना कुछ ज़्यादा ही खर्चा बैठ जाए। वैसे यार सच्ची में ये बाइक हम लोग खरीदेंगे, बट अभी नहीं, जब फालतू पैसा होगा तब। ओ ओ एक सेकंड पीछे वाला गेट खुल रहा है, जल्दी से हम लोग भी अपनी गाड़ी को मतलब अपनी बाइक को वहीं से अंदर कर लेते हैं। ओके तो ये वाली गाड़ी अंदर गई है, ये गाड़ी उन लोग की तो नहीं है, पर इस घर में गाइस काफ़ी सारे बंदे रहते हैं, मतलब जितने तो बंदे नहीं रहते उससे ज़्यादा इन्होंने वर्कर रखे हुए हैं। वी फटाफट से गाइस हम लोग अपनी बाइक को यहीं पर पार्क करते हैं। ये देखो भाई साहब यहाँ पर तो गार्डनर भी एकदम तगड़ी तगड़ी हमर वगैरह लेकर आते हैं भाई। चलो कोई नहीं जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग लेस्टर के अमीर फ्रेंड के बड़े से मेंशन के अंदर चलते हैं। और सबसे पहले मैं उसके ऑफिस में जाने वाला हूँ उसको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि यार अगर वो हमारी हेल्प नहीं करता तो फिर हम लोग डगन बॉस को किसी भी कीमत पे यहाँ किडनैप नहीं कर पाते। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से हटा दिया और जो डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड थे वो यहाँ पर थे, सबको कूट के हमने सारा मामला शांत कर दिया। बाकी उसका ऑफिस कहाँ पर था मेरे को इतना बड़ा घर है ना भाई, अच्छे से ऑफिस भी नहीं पता कहां पर है। ओके तो जहां तक मुझे याद है, ओके तो चलो यही ऑफिस था, अभी जल्दी चलकर पहले हम लोग इससे बात करते हैं। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल ये कह रहा है कि इसने डगन बॉस को अपने घर में किडनैप करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब कि लिबर्टी से बहुत बड़े बड़े मतलब गैंगस्टर्स का इसे फोन आ रहा है और वो उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे घर में अभी भी है तो उसे चुपचाप से छोड़ दो। मतलब कि सबको ये बात पता चल चुकी है कि डगन बॉस को इसी के घर में जब वो था तभी उसे मतलब पकड़ा गया है, बाकी जितने सिक्योरिटी गार्ड थे हमने सबको मार दिया।
बात बिल्कुल भी फैलने नहीं दी और पूरी सफाई भी कर दी, एक भी बॉडी वॉडी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी, बट फिर भी उन्हें पता नहीं कैसा शक हो गया। और वो ये कह रहा है कि काफी सारे मतलब ना बंदे यहाँ पर चेकिंग करके भी जा चुके हैं, मतलब आए हुए थे यहाँ पर, बट वो तो अच्छी बात है कि बेसमेंट में ऐसी जगह पर उससे हमने छुपा के रखा हुआ है ना कि कोई भी आएगा तो इतनी ज्यादा आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा, तो इसी वजह से अभी तक तो हम लोग बच गए। बट अगर वो लोग डगन बॉस को ढूंढ लेते तो फिर ये जो लेस्टर का फ्रेंड है ना भाई, ये नहीं बचता। फिलहाल इसकी भी बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन भाई वो लिबर्टी सिटी के माफिया है, वो कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो इसीलिए चलो कोई नहीं, फिलहाल अच्छी बात है, हम लोग बिल्कुल सेफ है। भी फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। इसी रूम में हमने डगन बॉस को पकड़ के रखा हुआ था भाई, यहां पर तो बिल्कुल भी प्ले स्टेशन 5 चार्जर रखे हुए भाई इधर, बाकी यार यहां पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा, क्या बात है। ओके अच्छा यहां पर खड़ा हुआ, वही मैं सोचू, तो चलो जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। और अभी तक होश नहीं आया, इसको और मारा था क्या भाई? तो गाइस यार कहां एक टाइम था जब हमें डगन बॉस मिलिट्री कर्नल से अरेस्ट करवाने की धमकी दिया करता था, और अब देखो बेचारे को हमारे सामने बैठ के हाथ जोड़ रहा है। अभी फिलहाल ये कह रहा है कि बस तुम मुझे छोड़ दो और मेरे पास जितनी भी गाड़ी जितना भी पैसा है जो मैं इससे मांगना चाह रहा था, मेरे को लग रहा था टॉर्चर करना पड़ेगा इसके लिए भी, तो ये कह रहा है मैं तुम्हें सब ऐसी दे दूंगा, बस तुम मुझे एक बार छोड़ दो। लेकिन यार देखो सीधी सी बात है, हम लोग इसे छोड़ तो नहीं सकते, और ये कह रहा है कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक ये कहां पर है सारा सामान वो नहीं बताएगा, तो इसलिए से हो सकता है थोड़ा बहुत कूटना पड़ जाए, लेकिन यार इसको आज ही प्रिजन ले जाना पड़ेगा कुछ भी करके, मिलिट्री कर्नल ने बोला है। और साथ ही जो अपना फ्रेंड है मतलब जो लेस्टर का फ्रेंड है, इसके घर में अगर बाकी बंदों ने आकर इसे ढूंढ लिया तो यहां भी गड़बड़ है, वो मारा जा सकता है अगर उनको ये मिल गया। अच्छी बात है सीक्रेट रूम बना रखा है, बट अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा कूटते हैं, रुक जाओ मेरे पास सामान, अगर वैसे गन है गन से डर जाना चाहिए। ओके नहीं नहीं, तो गाइस गन नहीं, इसको हम लोग मारने वाले हैं बिग माफी के भाई की स्पेशल गन से, उठा उठा के पटकेंगे वो भी बिना हाथ लगाए, तो चलते रहिए ऐसे की तरह। पहले मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं क्योंकि गाइस ये जो गन है बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो देखो उसको ना अलग से चक्कर से आने लग जा रहे हैं, क्योंकि भाई इस गन से पता नहीं कौन सी रेज निकलती है और इसके वो सीधा दिमाग पे इफेक्ट कर रही है। और अभी ये देखो भाई कैसे मैं इसे उठा उठा के पटक रहा हूं, वो भी बिना छुए, चलती रही ऐसी की तैसी, भी बहुत गंदी तरह इसके चोट लगने वाली। आज मैं इसे मारूंगा नहीं, बस ये जो गन है ना मैं उसके ऊपर चलाने वाला हूं। भाई मुझे नहीं पता ये गन कैसी है, इसके अंदर एमो वगैरह डलती ही नहीं है, अनलिमिटेड बुलेट्स डली हुई या फिर चार्ज होती है, पता नहीं क्या सीन है, बट जो भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पर उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, ये देखो भाई कितनी बुरी तरह वो उठ उठ के गिर रहा है। और अभी एक और पड़ गई ना भाई इसके सर पे, अगर लग गई ना ऊपर दीवार तो भाई ये पूरा बेहोश हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अलग अलग से लोहे टंगे हुए हैं। तो गाइस देखो बस मुझे ना ये गन इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं मारनी, वरना इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहीं पर फट जाएगी और ये यहीं के यहीं मर जाएगा, इसीलिए मैं सीधा दीवार पे मार रहा हूं और उसका रिफ्लेक्शन इसके लग रहा है, तो अब सोचो ये इतनी दूर दूर जाके गिर रहा है। भाई मैं दीवार पे मारता हूं और ये दूसरी दीवार में जाके भिड़ता है, ये देखो इधर मारूंगा उधर जाके भिड़ेगा, और अभी इसकी बॉडी भिड़ भिड़ के भाई लग रहा है इसकी हड्डियां चूरा हो गई होगी, बट फिर भी भाई जान तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको एकदम प्यार से बोल रहा था बता दे आखिरकार गाड़ी और पैसा कहां पर है, लेकिन इसने बताया नहीं। और भाई इसे जिंदा नहीं मारना वरना काम खराब हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल डगन बॉस को इसी तरीके से मारते हुए हम लोग यहाँ से बाहर लेकर जाने वाले हैं, एकदम उड़ा उड़ा के पटकूंगा, चलती रही ऐसी की तैसी। आज इसको पूरा गेट से हम लोग पहले बाहर निकालेंगे, भाई इस टाइम उसकी बॉडी ना पूरी हवा हो चुकी होगी, इतने ज्यादा उसके इसके शॉट्स पड़ गए हैं। चलो कोई नहीं अभी सबसे पहले वाला गेट हम लोग यहीं पर लॉक मारते हैं, जल्दी 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 कोने में कहाँ भाग रहा है, इधर आ इधर आ, कुछ फटा क्या, चल 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 बाहर, तू तू क्यों अंदर आ रहा है, तू तो बाहर निकल, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि बाहर की तरफ मैंने कहा कुछ ब्लास्ट हो गया है, यहीं कहीं से मेरे को आवाज़ तो आई थी, पता नहीं यार कुछ तो इधर ब्लास्ट हुआ है। चलो कोई नहीं, और बेचारे को भाई साहब रास्ता भी नहीं समझ आ रहा, कह रहा होगा भाई क्या ही कर दी मैंने पार्टी में बड़ी गलती। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल डगन बॉस कह रहा है कि बस इसे और मत मारो, ये सब कुछ बता रहा है, अगर और मारोगे तो गलती से ही मर जाएगा ये और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वैसे यार ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों ने ना भाई इसे सच्ची में कुछ ज्यादा ही कूट दिया था, अगर एक दो बारी में और इसे पटक देता ना तो भाई इसका सर्वर खुल जाता और ये यहीं का यहीं मर जाता। और वैसे भी हमें मिलिट्री कर्नल ने साफ साफ बोला है इसे जिंदा पकड़ कर लाना है, चल 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 ड्रामे मत कर, और अगर हमने इसे गलती से मार दिया ना तो मिलिट्री कर्नल की नजरों में हम भी एक क्रिमिनल ही बन जाएंगे। भाई साहब इससे चला भी नहीं जा रहा है, मैंने ज्यादा मार दिया, ओ एक सेकंड इसको क्या हो रहा है भाई, उस वाली गन का अलग ही असर मच रहा है भाई, फिसल के वहां तक कैसे पहुंच गया भाई, दोबारा लग रहा है गन चलानी पड़ेगी, बट यहाँ नहीं भाई यहाँ ये सब जो ये तेल है ना इसके अंदर पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, आग ना लग जाए। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये कह रहा है कि इसे ना कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये उस साइड पर चला गया, मतलब कि भाई इसका दिमाग ना इस टाइम पर पूरा का पूरा चकरा रहा है। आप लोग एक बार ही देखो भाई ये चल कैसे रहा है, भाई दीवार में मत भिड़ जाइए। ओके तो चलो अभी फिलहाल सीढ़ी तो ये चढ़, ओ भाई 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 अभी तो करो भाई, ये सीढ़ी भाई बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चढ़ पा रहा, पता नहीं कैसे जैसे तैसे कर यहां तक पहुंच गया भाई, कुछ ज्यादा
मार दी भाई, पता नहीं यार बिग माफिया के भाई की ये कैसी सी गन है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं डगन बॉस को जैसे तैसे करके लेस्टर के फ्रेंड के घर के बाहर तक तो लेकर आ चुका हूँ, बट यार सही में मन तो कह रहा है जल्दी से गोदी में उठाऊ और सीधा वहीं पर गाड़ी में ले जाकर बैठा दू। गाड़ी का भी इंतजाम वैसे हो गया है, अपनी जो कावासाकी निंजा है वो इस टाइम पर अंडरवाटर माफिया लेकर आने वाला है। बाकी यहाँ पर इस बंदे ने अपनी हमर दे दिया हमें आज के लिए, बहुत तगड़ी गाड़ी है, फटाफट से उस गाड़ी में बैठकर हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बाकी यार सारे के सारे भाई साहब यहाँ पर पार्टी करते रहते हैं हमेशा, भाई इतनी भी एक्टिंग मत कर, चल तू जल्दी से आ, मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। भाई भाग मत जाइयो यहाँ से, क्योंकि भाई इस टाइम पर अगर ये भाग गया या फिर मर गया ना तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा गलत लेवल मुसीबत आ जाएगी। वैसे यार ये जो गाड़ी है ना सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी है, एक बार ही आप लोग इस गाड़ी का इंटीरियर देखो, मतलब क्या ही मस्त बना हुआ है। जल्दी से आ भाई गाड़ी में बैठ। उतरी भैंस की भाई, ए ओ भाई भाई एक सेकंड, पहले से रोकना पड़ेगा, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई भाई साहब, हमें बाहर निकाल के फेंकेगा तू, तीर ऐसे किधर हमें बाहर निकाल के फेंकेगा तू, गाड़ी लेकर भागना चाह रहा था, इससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। भैंस की चलानी भी आती है गंजी तरफ को गाड़ी, एक और खा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इसे चुपचाप से गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया है, और अभी गाड़ी में बैठ कर ना मैं पहले गेट भी सारे लॉक कर दूंगा, वरना इसका कुछ पता नहीं है ये कब में निकल कर भाग जाए। और अभी फिलहाल अंडरवाटर माफिया को मैंने अपने ही पीछे पीछे आने के लिए बोल दिया है। बाकी यार सच्ची में जो गाड़ी है आप लोग देखो भाई कितनी ज्यादा चौड़ी है, कहीं से भी एसयूवी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है भाई कोई बहुत तगड़ा मिलिट्री का टैंक जा रहा हो। तो फटाफट से इसे मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बाकी अंडरवाटर चलो कोई नहीं, शायद वो दूसरे गेट से आएगा, इसके घर में भाई बहुत सारे गेट है, बट गाड़ियों के लिए भी नहीं, गाड़ियों के लिए भी भाई तीन चार गेट है जहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं। तो भी फटाफट से इस वाले गेट से हम लोग पहले अपनी गाड़ी बाहर निकालते हैं। बे यार भाई पता नहीं कैसे डोर लगवा रखे हैं, टक्कर मारनी पड़ती है उसमें जाकर तब वो डोर खुलते हैं। बाकी भाई चुपचाप आकर बैठ तो गया है, पर भाई इससे मेरे को डर लग रहा है कहीं चाकू वाकू निकाल के ना मार दे भाई। अरे अंडरवाटर माफिया अपनी कावासाकी लेकर भाई बेचना है, उसका कुछ पता नहीं है। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं अपनी हमर को लेकर निकल लेता हूँ सीधा प्रिजन के लिए, और प्रिजन में डगन बॉस को छोड़कर हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत तगड़े मैंशन पर हाइस्ट करने के लिए, क्योंकि यार डगन बॉस ने ना हमें पूरा का पूरा सीन बता दिया है। तो ये कह रहा है कि जो गाड़ी इसने जीती थी ना मतलब उस रेस टूर्नामेंट से, उसी टाइप से काफी सारी गाड़ियां हर महीने जीतता रहता है। तो ये कह रहा है और उन सभी गाड़ियों को ये एक बंदे को बेच देता है जो बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, और वो बंदा उन सभी गाड़ियों को ले जाकर लिबर्टी सिटी में बेच देता है। तो भी फिलहाल उसका घर तो हमने इससे पता कर लिया है, और ये कह रहा है कि भाई अब इसे छोड़ दो, लेकिन इसको पता नहीं था हमने इसके साथ स्कैम कर दिया है। मैंने इसे बोल दिया था कि अगर तू चल बता देगा तो छोड़ देंगे, बट हमने इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि अभी हम लोग इसको सीधा प्रिजन ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो मिलिट्री कर्नल फिर हमें नहीं छोड़ेगा भाई। वैसे अभी फिलहाल उससे अच्छी खासी दोस्ती है तो उस दोस्ती को बना के रखना है। अभी फिलहाल जल्दी से निकलते हैं सीधा प्रिजन स्कैम हो गया डगन बॉस के साथ। और गाइस वैसे भी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर ये हमें नहीं बताता ना तो फिर हम लोग इसे उसी कमरे में दबा के कूटते रहते कोई फायदा नहीं था, और ये वहीं पर थोड़ी देर बाद मर जाता। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल इसने बचाकर अपनी जान बचा ली है, वैसे पूरे टाइम तो जेल में ही रहने वाला है। बाकी यार आप लोग एक चीज देखो, ये दोनों गाड़ियां एकदम सेम है, बट ओ एक सेकंड भाई अंधा है क्या यार, ये उसकी बाइक पूरी खराब कर डालेगा, इतनी तेज भगाता हुआ है ब्रेक ही नहीं मार पाया। चलो कोई नहीं, मैं गाड़ी दिखाने में लगा हुआ था और अभी तो अपनी वो कावासाकी फूट जाती। चलो कोई नहीं भाई, वैसे इस टाइप की गाड़ियां बहुत चलती है, और भाई सच्ची में काफी सही कार है ये। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी हमर लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा प्रिजन के लिए, और अभी ना गाइस अपने पास एक बहुत तगड़ी गुड न्यूज आई है जिसको सुनकर आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो। और एक सेकंड, ये किसी को भाई साहब ये किसी को फोन कर रहा है, एक मिनट पहले ना गाड़ी साइड लगाओ भाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई फोन पे पता नहीं किसी को कुछ बता रहा है, पहले गाड़ी साइड लगानी पड़ेगी, इसका ना मुंह तोड़ेंगे तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। भाई साहब पता नहीं किसको फोन लगाया है, एक मिनट रुक जाओ, बीच रास्ते में रोक दूंगा ना तो गड़बड़ हो सकती है, पहले इसकी गाड़ी साइड लगाते हैं। और अभी मैं इसका ना बहुत गंदी तरह पहले तो ना गाड़ी से उतार के मुंह तोड़ने वाला हूँ, गाड़ी रोको साइड में। भाई फोन किसको कर रहा है भाई, वो भी हम एक तो मेरे को ये नहीं समझाया फोन छीना क्यों नहीं था अंडरवाटर माफिया ने इससे, इसने यार अपने बंदों को बता दे होगा फोन करेगा, अच्छी बात है शायद से मेरे को लग रहा है उन्होंने फोन उठाया भी नहीं। भाई साहब फोन कर रहा है उन लोग को बेमतलब में, ओके तो भी मैंने से भाग के कर रहा है, एक सेकंड रुक जा भाई, इसको मेरे को भी मारना ही पड़ेगा, पता नहीं किसी को कुछ फोन पे बताना चाह रहा है भाई, गोली वोली खा जाएगा यार ये मेरे हाथों से, अलग ही बंदा है। बाकी अंडरवाटर माफिया देखो बाइक पे आ रहा है, वहीं खड़ा हुआ, ये नहीं कि लाके इसमें ठोके, रुक कहाँ जा रहा है, इधर आ, किसको फोन कर रहा है पहले तो ये नहीं समझ आ रहा है, इसके रख रख के गाइस अभी देनी पड़ेगी। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर अंडरवाटर माफिया और मैं डगन बॉस को बहुत बुरी तरह कूट रहे हैं, भैंस के ना उठ के भागेगा भाई, अभी फिलहाल इसके मैंने बहुत गंदी तरह स्टन बजा दिया है। और एक सेकंड यहाँ पर पीछे से इसके काफी सारे बॉडीगार्ड आ चुके हैं, वो ही मुझे लग रहा था भाई इसने इन्हीं को फोन करा होगा। और अभी फटाफट से गाइस हमें सबसे पहले तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, डगन बॉस भी भाग रहा है, उसे भी रोकना है, जल्दी बाइक पर बैठ, पहले इनको मारना बहुत जरूरी है, अपने पास अपनी जुगन है, इससे बहुत तगड़ा ही जुगाड़ हो जाएगा भाई, जल्दी
कर ले यार, एक तो ना इससे गन चल रही है ना ये बाइक पर बैठ रहा है, और डकन बोस्ट भी भाई अपने हाथ से निकल गया, सामने की तरफ में वो भाग कर गया था और अभी वो मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ। ओ, ओ, ये जा रहा है इधर, जिसके तो भैंस के रंग, रुक जाओ इधर लेटेगा तू भाई साहब, इसको ना पहले अभी बेहोश करना पड़ेगा पीछे से, बट इसके काफी सारे बॉडी गार्ड आ रहे हैं, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देंगे क्योंकि भाई उनके पास वो जो गाड़ी है ना वो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देगी। वो देखो सारे के सारे इस टाइम पर हमारे पीछे पड़ चुके हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाड़ियां हैं, ऊपर से हमारे पास बाइक है। पहले तो यार डकन बोस को ना हम लोग यहीं कहीं पर बेहोश कर देते हैं। ओ ये रहा, चलो अभी फिलहाल वो बेहोश पड़ा है, उसके बंदे को नहीं पता वो यहाँ पर है, पहले इन लोग का ठिकाना लगाना पड़ेगा वरना भाई साहब ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। भाई बहुत तेज है डकन बोस, उसने भाई सीधा अपने मतलब कि जो उसके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड से, टेररिस्ट को नहीं अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स को फ़ोन कर दिया और अपनी करंट लोकेशन दे दी और वो सारे के सारे ना भाग कर यहाँ पर आ गए। अभी फिलहाल ना पहले उन लोग को आ जाने देते हैं और हम लोग थोड़ी देर के लिए ना यहीं पर रुकते हैं, जैसे उनकी गाड़ी आएगी ना फिर उनकी बैंड बजाएंगे। और अभी फिलहाल वो लोग यहाँ पर तो आए नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। ओके शायद से कहीं से गाड़ी आई, मेरे को गाड़ी की आवाज़ तो आ रही नहीं। भाई ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पता चला दूर से रॉकेट लॉन्चर मार दे। जल्दी 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 बाइक पर बैठ भाई, एक तो इतनी देर लगाता है ना यार ये बाइक पर बैठने में, भाई कहीं वो डकन वो उसको लेकर निकलना जाए वो भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें ना उसके एकदम आसपास ही रहना पड़ेगा। तो गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपनी बाइक लेकर सीधा वहां पर चलता हूँ और मुझे इस टाइम पर भाई एक भी गाड़ी उन लोग की नजर नहीं आ रही है। फिलहाल सामने की तरफ में तीन तीन गाड़ियां खड़ी तो है बट यहाँ पर सारे बंदे मारे जा चुके हैं, तो पहले तो इन लोग के मैं बहुत गंदी तरह बजाने वाला हूँ। चल 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 अभी रुक जाओ, फटाफट से अपनी बाइक घुमा के लाऊंगा और अभी बजाएंगे इनके। हैं भाई कैसे, ओ भाई एक और गाड़ी आई, भाई साहब ये कैसे चला रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, सीधा मत्थे पे पड़ेगी इसके, इसका तो खेल खत्म। और बाकी तीन गाड़ियां नीचे से और आगे भाई हेलो पीछे ही पड़े हुए भाई, ये हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। जल्दी से बाइक यहाँ पर रोकते हैं और अभी फटाफट से हम लोग इस गन को लेकर जाने वाले हैं, बिग माफिया के स्पेशल ये वाली गन को। एक टक्कर में इनकी बुलेट प्रूफ कार हो या फिर कितनी भी हैवी मतलब टैंक हो या ट्रक हो, पूरा उड़कर गिरने वाला है। 11 बंदा, चल तेरी ऐसे की तरह से निकल यहाँ से, एक मिनट ढेर। और भाई 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 इनकी गाड़ी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये देख रहे हो। ओ ओ एक सेकंड, यहाँ पर इन लोगों ने मारना तो शुरू करा है बट भाई कहाँ से मार रहा है। हेलो, तो गाइस सर देखो ये ना सारे के सारे गाड़ी के पीछे छुप कर बैठे हुए हैं और वहीं से हमें मार रहे हैं। अपना देसी कट्टा निकालता हूँ, नहीं नहीं इनकी गाड़ी हम लोग यहाँ से हटा देंगे और अभी उसके गाड़ी की टक्कर खुद की पड़ गई होगी क्योंकि गाड़ी ना आगे की तरफ में गई है जहाँ तक मुझे लग रहा है वो। भाई ये लो इसका मुंह भिड़ गया गाड़ी में और यहाँ पर एक गंजे निकले यहाँ से। तो चलो भाई साहब 8 गाड़ियां आ गई उसके एक कोल पे। चलो अच्छा हुआ कि हमने उसे ज़्यादा देर बात नहीं करने दी वरना वो पता नहीं इतनी सी देर में किस किस को कॉल कर देता, बट अभी हमें कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है उसने कर भी दियो कॉल। तो भी फटाफट हमें ना पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब बस ये गड़बड़ ना हुई हो कि वो वहाँ से भी उठकर भाग गया हो, मैंने सही टाइम पर उसके स्टन गन बजा दी थी, वो वहीं पर एकदम खड़ा हो गया था, बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था। भाई बिल्कुल सही करा, और अभी फिलहाल अंडर वाटर माफिया ने उसके पैरों पर गोली भी मार दी थी। भाई अच्छा हुआ कि वो भाग ही नहीं पाया, पीछे से उसके बॉडी गार्ड्स आए, अगर उनके साथ जाता तो शायद बच जाता, हमने गलती कर दी थी भाई, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ओके तो भी फटाफट से चलते हैं, अपनी बाइक को मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूं और अभी अपनी हमर लेकर आते हैं पहले। तो भाई इसने कॉल कैसे कर दिया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी कावासाकी को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा महंगी बाइक है बट यार डगन बोस को इस टाइम पर प्रिजन तक पहुंचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे यार बाइक को ना इधर बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि कभी भी यहाँ पर डगन के और गार्ड्स आ सकते हैं, बट यार अभी छोड़ो पहले उसको उठाते हैं, प्रिजन एकदम बगल में ही है, तुरंत छोड़कर जल्दी से आके फटाक से इस बाइक को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। उसकी बॉडी ओके, तो देखो वो वहां पर पड़े, बॉडी नहीं ये जिंदा ही होगा जहां तक है, पैरों पर गोली मारी थी। भी फटाफट से भाई इसको गाड़ी में भरते हैं और अभी प्रिजन छोड़कर आते हैं भाई, जल्दी से उठा भाई इसको। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हमने डगन बोस को हमर के बैक स्पेस में डाल दिया है, अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा प्रिजन के लिए और इसको मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि भाई इस बंदे का कुछ भरोसा नहीं है, चलती गाड़ी से भी कूद सकता है भाई अपनी जान बचाने के लिए। तो चलो अभी फटाफट से मैं अपनी हमर को लेकर ना एकदम शॉर्टकट रास्ते से जाने वाला हूँ, रोड से मैं नहीं जाऊंगा। और अभी फिलहाल इसीलिए मैंने मतलब कि अंडरवाटर माफिया को भी अपनी गाड़ी में बुलाया ताकि ये ना पूरा इस पर ध्यान रखे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसके पास 5-6 फोन हो और दोबारा से कोई अलग फोन निकाल कर कॉल कर दे भाई अपने बंदों को, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रिस्की सीन हो गया था हमारे हाथ से गाइस, ये 80% निकल चुका था, अगर ये किसी झाड़ी वाड़ी में जाकर छुप जाता ना तो मुझे नहीं लगता भाई ये हमें दोबारा मिल पाता क्योंकि भाई बहुत ज्यादा उधर झाड़ियां भी थी, बट इसके अंदर दिमाग नहीं था, बस ये सीधा भागे जा रहा था। और अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास बाइक भी थी, अगर बाइक ना होती ना एकदम बगल में, हम गाड़ी लेने जाते हैं फिर पैदल भागने की कोशिश करते हो तो गड़बड़ हो जाती। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मैंने इसकी जब स्टन गन मारी थी ना तो भाई ये उसके बाद भी खड़ा होकर भागने लग गया था, इसने खड़े खड़े पूरी स्टन गन सह ली थी, पता नहीं यार भाई किस मिट्टी का बना है, इतना ज़्यादा उठा उठा के पटका और इतना बुरा हाल कर दिया, उसके बाद भी भाई साहब ये भागने की हालत में, वो भी इतनी ज़्यादा एज में, भाई साहब खतरनाक ही बंदा था डगन बॉस। बट अभी फिलहाल इसको हम लोग एकदम अलग ही रास्ते से पहुँच चुके हैं सीधा लेकर प्रिजन,
अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से अंदर ले जा रहे हैं। हमर तक में से आवाज निकलने लग गई है, उन्होंने इस गाड़ी पे बहुत तगड़ी तगड़ी टक्करें मारी है, पता नहीं कैसी सी इसके अंदर से आवाज आ रही है। तो चलो, यहाँ पर प्रिजन गार्ड काफी सारे बैठे हुए हैं और अंदर काफी सारे प्रिजन वाले बंदे भी हैं, तो अभी इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। पहले तो अभी हम लोग अंदर चल के माहौल देखते हैं। और नहीं, इसको उठा लो भाई, साथ ही उठा लो, इसका कुछ पता नहीं है भाई। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये प्रिजन गार्ड आ चुका है और ये कह रहा है कि सर अब आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अंदर जाकर बस प्रिजन गार्ड को इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग ने इसे लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, यानी डगन बॉस को, और फटाफट से गाइस ये लोग उसका इंतजाम करेंगे, उसका ठिकाना लगा देंगे किसी बढ़िया से लॉकर में। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये जो प्रिजन गार्ड है आगे कॉल करके मिलिट्री वालों से ये कंफर्म कर रहा है कि आखिरकार सच्ची में हमें डगन बॉस को पकड़ कर लाने के लिए बोला गया था या फिर मैं इसको पागल बना रहा हूँ। वैसे ही इसको ना हमारे ऊपर शक इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले हम लोग भी इसी प्रिजन में आए थे, मतलब हमें भी पुलिस वाले पकड़ कर ले आए थे। लाए तो फ्रैंकलिन को थे बट हम उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए थे, बट अभी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पहले तो गाइस ये लोग कह रहे हैं कि ना डगन बॉस के चोट भी लगी हुई है, तो उसको लॉकर में डालने से पहले ना ये लोग इसको प्रिजन का जो हॉस्पिटल है ना उसमें डालने वाले हैं। तो फटाफट से एक बारी मैं पहले ना वहां पर चल के अच्छे से नजर मार लेता हूँ, कहीं मतलब ऐसी कोई छोटी मोटी गड़बड़ ना हो। भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, डगन बॉस जब तक लॉकर तक नहीं पहुंच जाता ना तब तक की भाई गारंटी मेरी है, मतलब उसने मेरे को मिलिट्री कर्नल साहब बोला है उसको पूरा लॉकर तक पहुंचा कर आना है। और यहाँ पर लगता है भाई ये सारे के सारे क्या ही है भाई, सारे बेहोश पड़े। और इसको देखो भाई कि कैसा सा हॉस्पिटल है भाई, डगन बॉस यहाँ से भाग भूग ना जाए, इसीलिए मैं पूरा यहाँ पर ना देखने आया हूँ। उसके लिए एक स्पेशल बंदा यहाँ पर रखवाना पड़ेगा क्योंकि इधर पूरा ग्लास वैसे कैसे निकल जाएगा यार, अच्छी खासी सिक्योरिटी है, मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। अगर कल को उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर आ भी जाती है तो मेरे को लगता नहीं है वो यहाँ से उसे निकाल पाएगी, बट फिर भी यार मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अंडरवाटर माफिया को सिर्फ 5-6 दिन के लिए यहाँ पर रोक देते हैं, 5-6 दिन नहीं 2 दिन के लिए, 2 दिन में मेरे हिसाब से डगन बॉस ठीक हो जाएगा। इतना ज़्यादा भी उसने हमें मतलब कि हमने उसे मारा नहीं है, और जब वो ठीक हो जाएगा, जब वो लॉकर में बंद हो जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल लॉकर है प्रिजन के, कोई पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता वो लॉकर, मिलिट्री कर्नल ने बोला कि बस उसे लॉकर में भिजवा देना, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। शायद से वो बेसमेंट में है वो लॉकर, उसके अंदर बंद हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो चलो गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं। और भाई साहब ये जो बंदा है, जब मैं प्रिजन में आया था ना मुझे ये तब भी दिखा था, इसको क्या उम्र कैद हो रखी है क्या भाई, जब भी आता हूँ ये प्रिजन में दिखता ही दिखता है। और अभी फिलहाल यहाँ पर इसके घर वाले शायद से मिलने के लिए आए हुए हैं। चलो कोई नहीं यार, अभी फिलहाल बहुत मजाक हो गया, फटाफट यार हमें यहाँ से निकल। तो भाई साहब ये कैसे कितने सारे गेट यहाँ पर बना रखे एकदम बगल बगल में ही। तो चलो अभी फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। उस बंदे का भी मतलब कि अपना जो फ्रेंड है उसने भी हमें कॉल करके बोला था कि जब भी तुम फ्री हो जाओ बता देना, शाम से पहले वो हमें वो वाला जो शोरूम है दिखा देगा और वो कितने का हमें मिलने वाला है उसका प्राइस भी बता देगा। तो चल भाई, वैसे यार अंडरवाटर माफिया को मैं बोल देता हूँ वो 2 दिन के लिए यहीं रुक जाए। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर इस प्रिजन गार्ड ने डगन बॉस को अपनी हमर से बाहर निकाल लिया है और अभी इसके हाथों को वो हथकड़ी से बांधने वाले हैं, यानी हैंडकफ करने वाले हैं। तो बेचारा वो कुछ भी नहीं हमारा बिगाड़ पाएगा। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर मतलब किस टाइम पर ना अंडरवाटर माफिया को बोल तो दिया है कि तू मतलब यहाँ पर रुक जा भाई 2 दिन के लिए, बट वो कह रहा है कि वो अभी रुकेगा नहीं यहाँ पर क्योंकि उसे ना भी कहीं जाना है, लिबर्टी जाना है। बट उसने बोला है कि जब तक ये लॉकर में चले नहीं जाएगा तब तक वो लिबर्टी नहीं जाएगा, मतलब अपने लिए वो काम कर दे रहा है। बट 2 दिन के अंदर अगर ये लॉकर में नहीं जाता तो कह रहा है फिर वो लिबर्टी के लिए निकल जाएगा, फिर हमें यहाँ पर किसी और को रखवाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फिलहाल फ्रैंकलिन भी अपना हॉस्पिटल से मेरे हिसाब से ठीक हो गया होगा, वहाँ पर हम लोग बाद में चलेंगे। फिलहाल पहले हम लोग चलते हैं सीधा, पहले फ्रेंड को मैं अपने कॉल कर देता हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है, कहाँ पर बुला रहा है। और ये टूटी फूटी गाड़ी मेरे को उसके पास लेकर नहीं जानी, चलो उसकी बाइक ही लेकर उसके पास चलेंगे। और हाँ यार, सही टाइम पर याद आ गया, ये गाड़ी भी उस बंदे को वापस करनी है, लेस्टर के फ्रेंड को, उसकी बाइक भी उसको वापस करनी है। भाई बहुत सारे उधार होते जा रहे हैं अपने ऊपर, बट कोई नहीं भाई, सारे कंप्लीट होंगे। उसको कॉल करते हैं, बाइक उठाते हैं और जल्दी से निकलते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी हमर लेकर सीधा उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मैंने लास्ट टाइम अपनी कावासाकी निंजा S2 को खड़ा करा था। और एक सेकंड के सामने की तरफ में ना गाइस दो हेलीकॉप्टर आए हुए हैं, और शायद से गाइस ये डगन बॉस की सिक्योरिटी है। भाई साहब, उसके एक कॉल पर यहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आ गई, वो भी इतने कम टाइम में। हमारे एक कॉल पर एम्बुलेंस तक नहीं आई थी, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा गलत सीन है। बट अभी ना फिलहाल उस बाइक को ले जाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये लोग उठा के भाई उसे फोड़ डालेंगे, मैं 100% श्योर हूँ। एक काम करता हूँ, अपनी हमर को ना थोड़ी देर में यहीं पर पार्क कर देता हूँ और चुपचाप से पैदल मैं वहाँ पर चलकर जा रहा हूँ, और फटाफट से अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं सीधा अपने दोस्त के पास जो हमें शोरूम दिखाने वाला है। मैंने उसको कॉल कर बोल दिया कि बस मैं 10-15 मिनट के अंदर पहुँच रहा हूँ,
तो वो कह रहा है कि तुम जल्दी से पहुंचो। उसने मेरे को एक लोकेशन दे दिया है और मुझे अभी जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है। और ये जो बाइक है मुझे उसे वापस भी करनी है। उसने मेरे को बस एक दो दिन के लिए दी थी और मैंने भाई जी भर के चला लिया है। बाकी अगर वो शोरूम अगर मिल जाए ना तो भाई मज़ा आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाइक अपने से ज़्यादा दूर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, सबका ध्यान सामने की तरफ में ही है। भाई ये लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जब डगन बॉस यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से निकलो। पता नहीं यार क्या सीन है। चुपचाप से मैं आ गया हूँ भाई पीछे, बाइक उठाते हैं निकल लेते हैं। हेलीकॉप्टर वाले बंदे ने भी नहीं देखा। चलो भाई लेट्स गो, फटाफट से अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना अभी बेमतलब की लड़ाई यहाँ पर भी हो जाएगी। तो सीधा उसी लोकेशन पर चलते हैं। उसने मेरे को पूरा घूम कर जाना पड़ेगा इस माउंटेन के चक्कर में। वैसे रास्ता है यहाँ पर बट मुझे पूरा का पूरा माउंटेन चढ़कर पार करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं आगे से हाईवे चेंज कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा अपने फ्रेंड के पास पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था। और आज भाई लास्ट डे है, उसकी बाइक हमें वापस करनी है, इसलिए जितनी मौज हो सकती है मैं इस बाइक से उठा रहा हूँ। बट कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, इस बाइक को भी हम लोग खरीद लेंगे। बट पहले भाई शोरूम का जुगाड़ कर लेते हैं। मतलब अभी ना सीन ऐसा है कि वो जो शोरूम हमें बता रहा है, जिस स्टोर की वो बात कर रहा है ना, वो कोई बहुत तगड़ा स्टोर है। और ये वो फ्रेंड है, आप इसकी शक्ल देखते आप लोग इसे पहचान जाओगे। तो यहीं पर उसने हमें मिलने के लिए बुलाया था। अभी फिलहाल मेरे को वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उसने कहा था इसी पेट्रोल पंप पे वो हमारा वेट कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं, ओके वो खड़ी गाड़ी में, वही बोलने चाह रहा था, ऐसा है नहीं कि वो किसी छोटी मोटी गाड़ी में यहाँ पर आएगा। तो ये देखो गाइस, शायद से आप लोग हमारे फ्रेंड को पहचान गए होंगे, ये वही लिबर्टी सिटी वाला दोस्त है जिससे हमने माज़्डा फ्यूरिया खरीदी थी। तो भी फटाफट से पहले मैं उतर के इससे बात कर लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ उस जगह पर चलने के लिए जहाँ पर वो स्टोर है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे चलने के लिए बोल दिया है। मैंने इसे कह दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम लोग निकलो। बाकी यार देखो भाई कितनी ज्यादा तगड़ी विंटेज कार लेकर ये यहाँ पर आया हुआ है। और अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत कम सिक्योरिटी है, तो मैंने आपको बताया था इसकी सिक्योरिटी दिखती नहीं है पर होती बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको अच्छे से याद दिला देता हूँ, ये वही अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है जिससे हमने $50 मिलियन की वो सुपर कार खरीदी थी माज़्डा फ्यूरिया है। और इसका अपना रेस ट्रैक है भाई लिबर्टी सिटी में। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल देखते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा स्टोर है जिसको बेचने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो हमें, मतलब ये शायद थोड़ा कम प्राइस में दे दे, मतलब दोस्तों नहीं है बट हाँ फिर भी हमने इसे काफ़ी महंगी कार खरीदी थी तो इसलिए इसे विश्वास होगा कि हम लोग अच्छी खासी पेमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल गाड़ी भाई इसकी पक्का ये गोल्ड की है, कोई सस्ती कार नहीं है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं इन तीनों गाड़ियों को फॉलो करता करता यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और एक बंदे ने अपनी गाड़ी लेफ्ट मोड़ लिया है और ये दोनों तो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से आगे जा चुके हैं। तो अभी फटाफट से मैं यहीं पर चलता हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइस, ये लोग कहीं इस वाले स्टोर की बात तो नहीं कर रहे। भाई साहब सच्ची में, एक तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लोकेशन पर है, ऊपर से यार ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल इन लोगों ने अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कर दिया है, फटाफट से मैं भी अपनी बाइक को इधर पार्क कर देता हूँ। तो चलो यार, अभी ना फटाफट से शायद से ये लोग इसी स्टोर को मुझे अंदर से ले जाकर दिखाने वाले है, तो जल्दी से चलते हैं। बाकी यार सच्ची में इस स्टोर को देखकर तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ। मतलब कि अगर ये अपना शोरूम बन जाता है तो भाई साहब क्या ही बातचीत रहेगी। सामने रेल ट्रैक है, इतना बड़ा हाईवे है और उससे भी ज्यादा बड़ा शोरूम है। इस शोरूम के अंदर एक ही बार में इतनी गाड़ियां आ जाएगी भाई, मैं सोच भी नहीं सकता। और क्या ही एंट्रेंस बनेगी भाई यहाँ से, तो मैं क्या बताऊँ। अभी फिलहाल के लिए कि ये नॉर्मल सा स्टोर है, मतलब शायद से यहाँ पर सारा सामान मिलता होगा इस स्टोर में जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ये लो भाई फोन आ गया भाई, बहुत ज्यादा ही बिजी पर्सन है ये। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि पिछले एक दो साल से ये स्टोर खुला ही नहीं है, जिस वजह से ना ये इसे अंदर से नहीं दिखा सकता। मतलब अभी ना अंदर बहुत ज्यादा गंदगी मची पड़ी है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो भी रुक गया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो काफी सारा सामान उस साइड पर भी पड़ा हुआ है। तो बात तो ये सही कह रहा है, बाकी कह रहा है कि अगर तुम इस स्टोर को चारों तरफ से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और अगर तुम इसे खरीदते हो तो तुम्हें अंदर का जो अपना पूरा शोरूम वाला काम है वो खुद करवाना पड़ेगा। मतलब ये एक टाइप से नॉर्मल स्टोर था, आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, ढंग से कुछ भी दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मची पड़ी है अंदर। तो इसके अंदर हमें अभी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही काम करवाना पड़ेगा, पूरा शोरूम हम लोग अपने डिज़ाइन से बनाएंगे इसके अंदर। बट यार सीन कुछ ऐसा है, ये कह रहा था कि ये जो स्टोर है ना, इसका प्राइस इसने पहले $1,000 मिलियन रखा था, लेकिन अभी ना हम लोग इसके अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं और इसको इस टाइम पर पैसों की भी अच्छी खासी जरूरत है। पता नहीं यार ये लिबर्टी में कह रहा है शायद से कोई बहुत बड़ा कसिनो खोलना चाहता है शायद से, तो इसीलिए कह रहा है इसको पैसे जल्दी से जल्दी चाहिए। तो ये जो शोरूम है ये हमें $800 मिलियन का दे देगा, लेकिन यार इसको ये बात नहीं पता कि 800 तो बहुत दूर की बात है, 100 भी दूर की बात है अपने पास, तो यार $10 मिलियन भी ढंग से नहीं पड़े हैं। गोल्ड की कार्स है वो बिक भी जाएंगी, तो लेस्टर तो कहता बहुत पैसा आ जाएगा, बट मुझे लगता नहीं है भाई वो इतनी जल्दी बिकने वाली है, क्योंकि भाई इतनी आसानी से कोई बंदा नहीं मिलता गोल्ड कार खरीदने वाला। तो ये कह रहा है तुम्हारे पास 4 दिन का टाइम है, जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर देना, वरना इसके पास ना 5-6 बंदे और है जो कि इसको खरीद सकते हैं। और अभी भी फिलहाल ना इसने काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे कर रखे हैं जो कि इस स्टोर को देखने यहाँ पर आएंगे, तो वो कॉल करके उन्हीं को बुला रहा है। अभी फिलहाल भाई मैं तो पूरा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ,
क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब स्टोर है, बट ये जब अपना शोरूम बन जाएगा ना तो भाई अलग ही मज़ा आएगा। हाईवे है भाई पूरा एकदम तगड़े वाला, जहाँ से पता नहीं कितने बंदे निकलते हैं, और यहाँ पर तो भाई हम लोग पीछे तक बना पड़ा है भाई, वो देखो। ये सिर्फ इतना नहीं है, वो पूरा आपको जो बैक तक दिख रहा है ना, वहाँ तक ये बना पड़ा है। तो भाई पता नहीं यहाँ से कितनी गाड़ी हम लोग डेली अंदर ले जाएंगे भाई, एक से एक कार आ जाएगी, सुपर कार का अलग एरिया बन जाएगा, मतलब बहुत तगड़ा होने वाला है, बट मुश्किल है। और बाकी ये कह रहा है कि बाइक अभी जब 4-5 दिन के लिए ना डायमंड कैसीनो में ही रुका हुआ है, तो कह रहा है मेरे को बाद में बाइक वहीं पर छोड़ जाना, ये अपना ले जाएगा। कार्गो प्लेन से आया हुआ है, सारी गाड़ियाँ उसी में भर के ले जाएगा, अलग लेवल बंदा है भाई ये थोड़ा। तो चलो कोई नहीं, 4 दिन के लिए उसने हमें बाइक दे दी, मतलब दोस्त तो मानता है, बट यार फिर भी $800 मिलियन का वो कैसे खरीदेंगे भाई। अपने पास अपने शोरूम पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसमें गाड़ियाँ ही नहीं है, पता नहीं भाई पैसा कहाँ से आएगा, बट अभी फिलहाल ना गाइस अब दिमाग सिर्फ पैसों की तरफ जा रहा है। तो सीधा जो ढक्कन वो उसने हमें जगह बताई थी ना, मैं पहले सोच नहीं रहा था हम लोग यार क्या ही वो वाली जो गाड़ी थी फ्यूचरिस्टिक कार उसको चुराने क्या ही जाएंगे, मैं सोच नहीं रहा, मेरे को लग नहीं रहा था किसी काम आएगी, बट अभी फिलहाल जाना पड़ेगा। तो फटाफट से ड्राइवर को कॉल करता हूँ, जल्दी से हम लोग सीधा उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं। अब हमें ये नहीं देखना आखिरकार वो कौन बंदा है, उसके पास कितनी सिक्योरिटी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस वहाँ घुसना है। जितनी भी गाड़ियाँ होंगी ना भाई, रिक्शा विक्शा जो भी खड़ा होगा सब निकाल कर ले आएंगे, सब बेच डालेंगे भाई, कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ही। और अभी फिलहाल भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम इसे ले तो लोगे, बट ऐसा भी कर सकते हो कि पैसे बाद में दे देना, मतलब एक हफ्ते का टाइम इसने ओढ़ दिया है, पर फिर भी एक हफ्ते में कहाँ से आएंगे भाई $800 मिलियन। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने ड्राइवर को कॉल करके बोल दिया कि तू जल्दी से ना एक बढ़िया सा ट्रक और ट्रेलर लेकर मेरी करंट लोकेशन पर पहुंच जा, और मैं फटाफट से एक बढ़िया सी फ्यूचरिस्टिक कार का जुगाड़ कर रहा हूं। तो फ्यूचरिस्टिक कार से मेरा वही मतलब है जो कि उस रेस में डगन बॉस ने जीती थी, मतलब जीती किसी और ने थी, डगन बॉस ने उसे छीन ली थी उस बंदे को मार के, और यहाँ पर लाकर किसी बंदे को बेच दी थी। तो जिस बंदे को बेची थी अभी हम लोग उसके घर पर पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। वो जो आप सामने की तरफ में व्हाइट कलर का बड़ा सा मैंशन देख पा रहे हो, वही उस बंदे का घर है। और भाई साहब उसके घर में एक एयरलाइन भी है, कुछ ज़्यादा बड़ा मैंशन नहीं है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से गाइस अपनी बाइक को हम लोग पहले यहीं पर रोकते हैं, चेक कर लेते हैं सिक्योरिटी है या फिर नहीं है। एयरलाइन के साथ साथ मुझे वहां पर एयरप्लेन भी नजर आ रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग एक बार ना जूम करके देखते हैं सामने की तरफ में आखिरकार क्या नजर है। और गाइस यार एक बार ही आप लोग नीचे की तरफ में देखो, मुझे पता था भाई इतना ज्यादा बड़ा मेंशन है, तो गाड़ियां तो एक से बढ़कर एक होगी। और यहां पर एक येलो कलर की कोई तगड़ी सी कार खड़ी हुई है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कौन सी कार है, और इतनी दूर से वैसे भी कुछ सही से दिखने नहीं वाला। फिलहाल मेरे को यहां पर ना भाई बिल्कुल भी सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही है। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, बट वो ग्लास के उस पार खड़ा है, और ग्लास भाई बुलेट प्रूफ तो होंगे, तो सीधी सी बात है वो नहीं मरेगा। बाकी ये बंदा भी शायद से ग्लास के उस पार है, बट फिर भी एक बारी फायर कर देखते हैं। ओके नहीं लगा, एक और शॉट ट्राई करते हैं, लग गया भाई नहीं लगा, यानी वो पक्का ग्लास के उस पार ही है। तो उनको आवाज भी नहीं गई, अच्छी बात है। तो चलो फटाफट से ना गाइस पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास गन्स कौन कौन सी है। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास M249 है, AK-47 है, और साथ में M416 है, और सबसे ज्यादा स्पेशल बिग माफे के भाई की मिनी गन है, वो भी फुल लोडेड, तो अपने को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बट हाँ, इसके घर के अंदर मैं कहाँ से जाऊँगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पूरा का पूरा घर ना एक माउंटेन के कॉर्नर पे पूरा हवा में उठ रखा है, कहीं से भी इसके एंट्रेंस नजर नहीं आ रही है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर इस मेंशन के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ, और अभी ना फिलहाल मेरे को इसका कोई एंट्रेंस समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से गाइस अपनी बाइक को यहाँ से आगे भगाते हुए लेकर चलते हैं, और जंप कराकर भी मैं यहाँ से एंटर नहीं करवा सकता। और सामने से लग रहा है किसी ने मेरे को ना स्नाइपर मारते हुए देख लिया था, और अभी फिलहाल वो सीधा मेरे ऊपर फायर कर रहा है। रुक जाओ भाई, यहाँ से जाना तो पूरा इम्पॉसिबल हो चुका है, और वो खड़ा वो बंदा, एक मिनट भाई, पहले बाइक अपनी हटानी पड़ेगी, वरना एक आध वो शॉट हमारे भजाई डालेगा। उसने हाथ पे मेरे मार भी दिया बुलेट, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी इसके हम लोग पहले तो खोपड़ी तोड़ेंगे। एक बंदा ये था, ये गया, और एक ये खड़ा हुआ था। चलो फिलहाल यहाँ पर दो बंदे थे, इनको मैंने डाउन कर दिया है। और मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जो नीचे वाला रोड है ना, यहीं कहीं से एंट्रेंस होगी इस घर की। भी फटाफट से ना अपनी बाइक को हम लोग यहाँ से नीचे उतारते हैं, जल्दी से ना पहले आगे लेकर चलते हैं। और भाई उन्होंने बहुत गंदा फायर करना स्टार्ट कर दिया ऊपर से, अपनी बाइक को गाइस जल्दी से हम लोग यहीं से एंटर कराते हैं। सारे के सारे बॉडीगार्ड से एक ही साथ फायर कर रहे हैं। ओके, तो पहले अपनी बाइक को मैंने यहीं पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर आगे ले जाओगे ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ जाएगी। एक बंदा मेरे को सामने की तरफ में दिखा तो है, चल यहाँ से निकल। ओके, इसको मैंने मार दिया, बाकी एक और बंदा यहाँ से कहीं से तो मार रहा है, बट वो दिख नहीं रहा। ओके, तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल वो जो बंदा है मेरे को बिल्कुल जरा सा स्पॉट हुआ था, और मैंने फटाफट से राइट में आके उसके शॉट बजा दिया है। भी फटाफट से ना गाइस हम लोग अपनी बाइक पे बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं सीधा इस मेंशन के अंदर। बाकी यार भाई अभी तक तो मेरे हिसाब से उन्होंने गेट पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी होगी, क्योंकि मैंने पहले उनके ऊपर फायर कर दिया है। और एक सेकंड, ओ भाई सही में ज़्यादा सिक्योरिटी तो नहीं लगाई, बट शायद से इन्होंने अपने गेट ही बंद कर दिया अंदर जाने के। पहले यहाँ पर मैं इनको डाउन करता हूँ, एक बंदा इस तरफ में भी है। चल भाई देसी कट्टा अपना ज़्यादा सही चलता है, और तीर भैंस के निकल यहाँ से।
भाई साहब इतनी बुरी तरह हमारे ऊपर फायर कर रहा है लेट के, और अभी इसके स्नाइपर भाई स्नाइपर ही मारनी पड़ गई पहले ना गाइस, हम लोग यहाँ पर छुप जाते हैं। भाई इसके अंदर कुछ ज्यादा जान है भाई, हेलो बहुत ज्यादा जान हो रही है भाई इसके अंदर, मरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बंदा दोबारा से उठ गया था और अभी मैंने इसे डाउन कर दिया है। फिलहाल ऊपर की तरफ में एक बंदा यहाँ पर और खड़ा हुआ है, इसको भी मैंने मार दिया सही टाइम पर, वरना तो भाई ये गलत वाली अपने बचा देता। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर कवर लेते हैं क्योंकि अभी ना इधर बहुत ज्यादा खतरा है। M4 निकाल लेते हैं, वो जल्दी जल्दी रीलोड भी होती रहेगी। सामने की तरफ में भी एक बंदा है, इसको डाउन करते हैं। बहुत ज्यादा सोच समझ के ध्यान से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा वरना भाई बहुत गड़बड़ हो सकती है। अपने पास ये जो बिग माफिया भाई की स्पेशल गन है ना, इसको मार के हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर देते हैं ताकि इनको पता चल जाए कि कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं यहाँ पर है, कुछ खतरनाक सा ही बंदा यहाँ पर आ गया। और अभी शायद से ये लोग मेरे से थोड़ा बहुत डरने वाले हैं क्योंकि इनका एक बहुत महंगा हेलीकॉप्टर मैंने ब्लास्ट कर दिया है। बट यार नहीं, ये बंदे बहुत खतरनाक है, सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले यहाँ पर जो मेन तरफ में बंदे थे ना, इनको मैं मारता हूँ, रुक जाओ पहले कवर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर एक ये खड़ा हुआ है और एक अंदर से भी मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, इस पेड़ की वजह से मेरे लग नहीं पा रही है। बट पहले तो ये है तेरी भैंस की, निकल यहाँ से जोर जोर में, चल यहाँ से। चलो एक को तो मैंने डाउन कर दिया, बाकी एक ऊपर की तरफ में अंदर चलते गाइस। अभी एक ये वाला हेलीकॉप्टर है, इसको भी मैं ब्लास्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई है। और अभी फिलहाल ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट तो नहीं हुआ बट पलट जरूर चुका है, बट जहां तक मुझे लग रहा है वो ब्लास्ट हो जाएगा। धीरे धीरे गाइस आगे बढ़ना है, अगर एक भी बंदे की मैंने मिस्टेक करी ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, वो बंदा कहीं ऐसा ना हो मैं डाउन कर दे। फिलहाल एक बंदे की टांग दिख रही है, इसकी टांग पर गोली मारते हैं, अपने आप ही लेट जाएगा। एक और बंदा दिखा है सामने की तरफ में, निकल यहाँ से। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मुझे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा बहुत तो कवर चाहिए ही होगा। और एक तो ये जो मेंशन है ना, इसमें इतनी ज्यादा खिड़कियां लगी हुई है कि भाई बंदे कहाँ कहाँ से निकल के मार रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। इसकी मैंने टांग तोड़ी थी और ये दोबारा से उठ गया, चलो कोई नहीं। अभी फिलहाल इसकी दूसरी भी टांग मैंने तोड़ दी है और जहां तक मुझे लग रहा है अभी वो उठने नहीं वाला है। अभी फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो हेलीकॉप्टर था ब्लास्ट नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे भाई भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पर हमें कहीं से भी बहुत बुरी तरह बुलेट्स पड़ सकती है। फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है ओके, तो बेटा बहुत देर से शोर मचा रहा था, मुझे पता था इधर कोई ना कोई तो खड़ा होगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल जो बॉडीगार्ड मेन गेट पर था उसको तो हमने मार के डाउन कर दिया है, तो जहां तक मुझे लग रहा है अभी फिलहाल मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। बट पीछे की तरफ से भी एक बंदा हमें शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे एक बारी ना गाइस हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां पर एक बंदा है मुझे मालूम था, तो चलो सही टाइम पर गाइस एकदम पूरा वापस से घूम के मैंने उसे डाउन कर दिया है। और अभी हम लोग सीधा उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो गाड़ियां खड़ी थी। मेरे को वैसे नीचे ना, ओ भाई सारी गाड़ियां नीचे खड़ी हुई है, बट ये गैराज कैसे खुलेगा मेरे को ये नहीं समझ आ रहा भाई, पूरा का पूरा बहुत गंदी तरह लॉक हो रखा है। और अगर ये नहीं खुलेगा तो हम लोग यहाँ से गाड़ियां भी बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे मैं शीशा तोड़ के निकाल दूंगा सामने वाला, बट अभी फिलहाल यार गाड़ी को सही सलामत निकालने के लिए हमें, मेरे को नहीं पता भाई क्या करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर तो कोई बटन वगैरह भी नहीं है कि इससे शायद से ऊपर से रास्ता होगा भाई, क्या पता ये जो गैराज डोर है सिर्फ अंदर से खुलता हो। तो भी फटाफट से ना भाई मेरे को घर के अंदर घुसना पड़ेगा, वाह यार क्या ही सीन है। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, भी फटाफट से हम लोग घर के अंदर चलने की कोशिश करते हैं। भाई साहब एक बंदे को यहाँ पर मैंने मार दिया था और यहाँ पर अभी दूसरा बंदा आ चुका है, तो इसको भी सही टाइम पर मैंने डाउन कर दिया। दूसरा नहीं था ये, नहीं दूसरा ही था, मेरे को लग रहा था ये वही वाला वापस बंदा जो है खड़ा हो गया। फिलहाल जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, सामने की तरफ में तो मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है और एक बंदा वहां खड़ा हुआ है। चल बेटा निकल यहाँ से। ओके इसको भी मैंने डाउन कर दिया, ये भी गया। भाई साहब इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही अजीब सा घर बना रखा, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई बंदे कहां पर हो सकते हैं। भाई कहीं से भी पड़ जाती है, इतने सारे ग्लासेस लगे हुए, इतने सारे अलग अलग रूम है। तो यहाँ पर दो बंदे अंदर छुप कर बैठे हुए थे, तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को तो मैंने डाउन कर दिया। अपनी गन को रीलोड कर लेते हैं, सामने भी एक बंदा यहाँ पर डाउन पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा सोच समझ, ओ भाई वो देखो एक बंदा वहां खड़ा हुआ है, तो चल तेरी ऐसे कैसे निकल यहाँ से। भाई साहब शीशों के पार ऐसे, ओ इधर बहुत ज्यादा फायर है, तो जहां तक मुझे लग रहा है इधर भी कोई ना कोई होगा जो मेरे को दूर से मारने की कोशिश कर रहा है। और कोई ओ उस वाले रूम में है, ठीक है। तो जब मैं अंदर घुसा था तो इसने फायर करा होगा बट मेरे लगे नहीं, तो चल बेटा निकल यहाँ से। भाई ग्लास ना बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब ओ ओ एक सेकंड ये बंदा मरा नहीं था क्या, एक बंदा यहाँ भी खड़ा हुआ है। तो चलो भाई इन सबको तो मैंने मार दिया, फटाफट से आगे चलते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ में गाइस एक बंदा हो रहा है, जल्दी से अभी हमें इसे भी डाउन करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गलत फाइट चल रही है, तो सबसे पहले तो ना मैं एकदम सीरियस होकर पहले यहाँ पर बंदों को मारना पड़ेगा, वरना भाई ये ऐसे बंदे भून डालेंगे थोड़ी देर में ही। तो चलो फिर फटाफट से हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, ओ एक सेकंड यहाँ पर पीछे की तरफ में एक गेट है, तो जहां तक मुझे लग रहा है गाइस यही गेट होगा शायद से नीचे जाने का, क्योंकि वो जो गैराज है ना वो एकदम यहीं पर नीचे है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी सीढ़ियां तो नजर नहीं आ रही नीचे जाने की, पूरे के पूरे रूम में बस ऑफिस ही ऑफिस बने पड़े हैं। थोड़ा सा एक बार आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। नहीं एक बार वाला गेट मैं खोल कर ही देख लेता हूँ,
क्या पता हमें नीचे जाने की सीढ़ियां मिल जाए। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मुझे इस गेट को खोलने के लिए ना इसमें एकदम सही कोड डालना पड़ेगा, अदरवाइज अलार्म बचने लग जाएगा और गेट खुलेगा भी नहीं। अब यार देखो, जहां तक मुझे लग रहा है या तो ये सीढ़ियां होंगी उन गाड़ियों तक पहुंचने की, या फिर ये कोई लॉकर भी हो सकता है। क्या पता इसके अंदर गोल्ड या फिर डायमंड्स पड़े हो, तो अपना बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अमीर बंदे का घर है तो कुछ भी प्रॉफिट अपना हो सकता है। बाकी यहाँ पर इधर से कुछ चिल्लाए तो जा रहा है बट मेरे को दिख नहीं रहा। चलते रही ऐसी कैसी हमारे यहाँ से, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर और बंदे कहाँ हो सकते हैं। फिलहाल सामने की तरफ में वो क्या, ओ एक सेकेंड, वहां पर कुछ है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है मैं यार कोड कहाँ से ढूंढूंगा। इस तरफ में गाइस एक और कोड डालने का है। ये वाला रास्ता कहाँ पर जा रहा है भाई, एक मिनट, ये वाला तो ऑटोमेटिकली खुल गया। ओके, तो यार यहाँ पर तो कुछ भी खास है नहीं, बट मुझे नहीं पता अभी मैं किधर आ चुका हूँ। भाई ये सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा घर है, अंदर वाले रूम में एक बंदा बैठा हुआ था। चलो भाई, बहुत गलत वाली मैंने इसके बजा दिया है, और इसके शायद से देखो मैंने नीचे से भी बजाई थी, इधर छेद हो रखा है पूरा शीशे में। पता नहीं शायद से वह कोई और होगा या फिर कोई गलती से हमारे मतलब बुलेट आकर लग गई होगी। और भाई मैंशन के अंदर पूरा का पूरा ऑफिस बना रखा है। ये देखो भाई, सारे ग्लास में गिरा दूंगा, तबाही मचा देंगे गाइस आज हम लोग यहाँ पर। मतलब आज मेरे को सारी गाड़ियाँ चाहिए, वरना इनका पूरा का पूरा घर मैं पूरा ब्लास्ट करके जाऊँगा भाई, सही बता रहा हूँ, अगर गाड़ियाँ नहीं मिली तो। अभी फिलहाल जो डोर किसी काम का नहीं था उसके अंदर भाई मतलब वो ऑटोमेटिकली खुल गया, लॉक लगा ही नहीं है, लेकिन यार उसके अंदर कुछ ना कुछ तो काम का हो गई। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगा। तो कैसे उसके अंदर ना दो ऑप्शन है, या तो कोड डालना है या फिर हमें ना एक कार्ड लगाकर उसे ओपन करना है। तो अगर हमें वो कार्ड भी मिल जाता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल यहाँ पर कोई बंदा दिख नहीं रहा, और देखो जो मैंने नीचे से शॉट मारे थे ना स्नाइपर के, वो इसके आकर ही पड़े होंगे, और बहुत चौड़ा हो रहा था बेचारा, यहीं के यहीं ढेर हो रखा है। और अभी तक तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर कोई भी कार्ड वगैरह तो मिला नहीं है। यहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी मेरे हिसाब से कोड तो नहीं होगा। और ये क्या है भाई, एक सेकेंड, ये सीक्रेट रास्ता बना रखा है भाई घर के अंदर। नहीं नहीं, ये सीक्रेट रास्ता नहीं है, ये कुछ बाथरूम टाइप है। ओ भाई एक सेकेंड, पीछे से कोई तो मारा भाई, कहाँ छुप कर बैठा हुआ है ये, एक नहीं वो भी दो दो भाई साहब, एक और है अंदर भाई, तीन तीन है। एक सेकेंड भाई, ये क्या सीन था, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो या डरपो को भाई, तीनों के तीनों अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। अरे बड़ा अजीब सा बाथरूम है यार, इतना बड़ा घर है और मतलब बाथरूम में आने का इतना पतला सा रास्ता कैसा सा है भाई, मतलब ऐसे बंदा चिपक कर आएगा क्या। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल भाई उनका अलग स्टाइल है भाई बनाने का। बाकी यार यहाँ पर कहीं पासवर्ड वासवर्ड तो नहीं पड़ा हुआ, वैसे यार यहाँ क्या ही होगा, मैं टाइम खराब कर रहा हूँ। तो गाइस अभी ना भाड़ में जाए, वो जो कोड वाली मशीन है ना उसके ऊपर मैं ये बिग माफिया के भाई की स्पेशल मिनीगन चलाने वाला हूँ, क्योंकि यही है जो उसका कुछ बिगाड़ सकती है। तो 3 2 1 नहीं नहीं इससे नहीं भाई, इससे जरूर कुछ हो जाएगा। ओके, तो ये है ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक। 3 2 1 ओ भाई एक और मारते हैं, जलती रही है ऐसे भाई, ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है, एक और ले। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल मैं रख रख के इसके ऊपर ही वाली गन बजा रहा था, और यार ये तो पूरा को पूरा क्रैक हो चुका है। अगर हमें कोर्ट मिल भी जाएगा ना तो शायद से वाला जो गेट है वो नहीं खुलने वाला, इस गेट के ऊपर ही मैं, ओ खुल गया भाई, पता नहीं कैसे खुल गया मुझे नहीं मालूम, बट अच्छी बात तो ये है कि खुल चुका है। और बिना फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ से ना जल्दी से नीचे चलते हो भाई साहब, पता नहीं ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ पर लेकर जाने वाली है, किसी लॉकर या फिर किसी बढ़िया से जगह पर ले जाए तो बहुत सही सीन रहेगा, वरना तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। बाकी यार ओ भाई, अभी हम लोग गाइस फाइनली सीधा उस गैराज में पहुंच चुके हैं, बट दिक्कत की बात ये है कि नीचे से ना गाइस मुझे अभी भी काफी सारे बंदों की आवाज आ रही है। हम लोग यहाँ से यार नीचे निकल जाते तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता, अब मुझे बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि नीचे यार सीधी सी बात है काफी सारे बंदे हो सकते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी फुल फॉर्म में आ जाते हैं, जो भी हमें दिखेगा हम लोग सीधा उसका मत्था फोड़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर दो बंदे थे, दो के दो को हमने अच्छे से ढेर कर डाला, लेकिन यार अभी ना आगे की तरफ में मेरे हिसाब से और बंदे हो सकते हैं, तो पूरा एकदम सोच समझ के हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। एक सेकंड, चलती रही ऐसी वैसी, यहाँ पर दो बंदे थे, इसको भी मैंने मारा, सामने की तरफ में एक बंदा है, चलो भाई इसको भी मैंने डाउन कर दिया। भाई यहाँ पर भी काफी सारे बंदे छुप कर बैठे हुए थे, बट अच्छी बात तो ये कि सारे के सारे भी मारे जा चुके हैं। और गाइस फाइनली हम लोग इसका जो मेन गैराज है इस घर का, वहां पर पहुंच चुके हैं। और एक बार आप लोग गाड़ियां देखो भाई साहब, यहाँ पर एक से बढ़कर एक खड़ी हुई है। और ये कौन सी कार है भाई, ये भाई लैम्बोर्गिनी की कोई कंसेप्ट कार लग रही है, और काफी ज्यादा तगड़ी है, ग्रैंड टूरिज्म हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी ये मर्सिडीज है, फरारी है, बुगाटी है, ये भी मर्सिडीज है, और ये शायद से स्टर्लिंग जीटी है। भाई ये तो मेरी फेवरेट कार है भाई, ये देखो शायद से गाइस ये वही कार है, इसका साउंड बता देगा। ओ भाई इस गाड़ी का साउंड देखो कितना तगड़ा है। अभी फिलहाल यार गाड़ी वाड़ी की टेस्टिंग हम लोग बाद में करेंगे, पहले इन गाड़ियों को यहाँ से लेकर निकलना कैसे मैं वो देखता हूँ। बाकी यहाँ पर एक शेवरलेट की बहुत सही कार खड़ी हुई है, मतलब ये कार सारी अलग ही थीम की है,
भाई जिस भी बंदे का घर है ना भाई वो सच्ची में कुछ ज्यादा ही अमीर है। इतनी तगड़ी कार कलेक्शन कहाँ से आई उसके पास? तो गाइस देखो बिना फिलहाल मुझे इस गैराज में एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया सुपर कार लग्जरी कार मिल गई है और हर कार की वैल्यू मेरे हिसाब से $1 million तो प्यार से होगी। मतलब कुछ कुछ ऐसे मर्सिडीज वगैरह इनकी थोड़ी कम होगी बट जैसे ये कंसेप्ट कार होगी और वो स्टर्लिंग जीटी है ये सब यार बहुत ज्यादा ही महंगी कार्स है क्योंकि यार इनकी बातचीत ही अलग है। बट अभी ना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि जिस कार के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो फ्यूचरिस्टिक कार क्वाड्रा वो हमें यहाँ पर नहीं मिली है और जहाँ तक मुझे लगता है भाई वो सबसे ज़्यादा महंगी कार थी या तो वो इस घर में नहीं है क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो खुद यहाँ पर नहीं है तो हो सकता है वो उस कार को लेकर यहाँ से गया हो। और बाकी यार एक सेकेंड, इस कार की ना भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है जिस वजह से ना ये पूरी ज़मीन पे एकदम ऐसे घिसड़ रही है। यहाँ पर भी बहुत गंदा घिसड़ने वाले, ये देखो भाई पूरी अटक ही गई। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने जैसे तैसे करके इसे बाहर तो निकाल लिया है। इन सुपर कार्स की थोड़ी बहुत यही दिक्कत होती है कि मतलब जब स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। बाकी यार यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे गार्ड्स बचे हुए हैं जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगा और वो कब मेरा मुँह तोड़ेंगे। बट कोई नहीं, अभी मैं एक एक करके सारी की सारी गाड़ियाँ ना बाहर करने वाला हूँ। भाई ये ड्राइवर अभी तक आया नहीं है यार, इसका पता नहीं क्या ही सीन है। बट कोई नहीं, सारी गाड़ियों को हम लोग यहीं पर बाहर खड़ा करते हैं लाकर। जैसे ड्राइवर आएगा सारी की सारी गाड़ियाँ हम लोग एक एक करके ना ट्रेलर में लोड कराएंगे। ड्राइवर को भी फोन कर देता हूँ, बैनी को भी फोन कर देता हूँ क्योंकि यार इस टाइम पर ना हमें दो ट्रेलर चाहिए होंगे। और सामने से एक बंदे ने मारा, रुक जाओ, फायर तो करा है। ओ मेरे को दिख गया, तो नहीं नहीं ये बंदा नहीं है, ये कुछ और है। बट फायर हो रहा है सामने से पर अभी तक मेरे को बंदा नहीं नजर आया। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता वापस से मेंशन के अंदर आ चुका हूँ और अभी ना मैं एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ। और देखो पहले वाला जो गैराज डोर है नहीं खुल रहा था बट अभी ऊपर वो जो सिस्टम था ना इसका लॉक वाला वही हमने क्रैक कर दिया और अभी वाला जो गेट है वो खुलने लग गया है। भाई ये गाड़ी को लेकर चलते हैं पहले ये, क्योंकि मेरे को कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल लग रही है। इम्पाला नाम है इस गाड़ी का, छोटे छोटे से टायर है बट भाई गाड़ी की एक बार आप लोग यार लुक देखो, अलग ही शार्क या फिर मतलब क्या ही बोलेंगे, मतलब थोड़ी अलग शेप है इस कार की। भाई साहब क्या स्मूथनेस है भाई इस कार में, मतलब इतनी ज्यादा प्यार से एक गाड़ी मुड़ रही है। ये देखो आपको लग रहा होगा हल्की सी ठुक जाएगी बट यार यही इस कार की मेरे को लग रहा है खास बात है, इतने बढ़िया तरीके से मुड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कार है। एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको राउंड लेकर दिखाता हूँ। भाई ये देखो जैसे ड्रिफ्ट तो मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा बेटर नहीं लगेगी, छोटे छोटे से टायर है बट अगर ऐसे नॉर्मल चलाना हो ना 100-200 की स्पीड में, 100 नहीं मतलब 80-100 की स्पीड में तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कार। फिर यार कोई तो मारने की, ओ भाई भाई गाड़ी पे तो मतलब दिखा इधर आ भैंस की तरफ, यहाँ छुप कर बैठा हुआ है और गाड़ी पे भी इसने कहा शॉट मेरे को लग रहा है बजा दिए। नहीं 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 लगे, नीचे की तरफ लगे हैं। चलो कोई नहीं, फटाफट से इस गाड़ी को भी साइड खड़े करते हैं। बैनी को भी गाइस अभी मैंने कॉल कर दिया है, वो भी जल्दी से यहाँ पर पहुँचता होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता वापस से गैराज में आ चुका हूँ। अभी जल्दी से गाइस हम लोग इस बुगाटी को लेकर अब यहाँ से निकलते हैं। भाई बुगाटी का तो यार अलग ही साउंड है, आप लोग सुनी लोगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल भागती है ये कार भी। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना स्पीड में सबसे मस्त कंट्रोल में जो चले तो वो मेरे हिसाब से बुगाटी है। अपनी लैम्बोर्गिनी सैन भी चलती है बट वो काफ़ी ज़्यादा स्लाइडी सी है। बट इसकी तो मैं आपको खास बात अभी दिखाई देता हूँ। पहली चीज़ तो इसका जो पीछे वाला विंग है वो देखो कितना बढ़िया चल रहा है और कैसा भी रास्ता हो जाए देख लो भाई कैसी चल रही है, ठुकने की कोई चांस ही नहीं है भाई, इतने बढ़िया तरीके से कार मुड़ती है। और लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग इसे यहाँ पर भी लेकर पहुंच चुके हैं, सबसे ज्यादा चलाने में से मजा आया। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं वापस से गैराज में आ चुका हूँ, बारी है स्टर्लिंग जीटी की, जल्दी से इसे भी लेकर उतारते हैं। भाई पूरी की पूरी गाड़ी क्रोम हो रखी है और ये गाड़ी में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इस गाड़ी में एक ही खास बात है वो है इसका साउंड। भाई साहब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है जो कॉनिसेक, ओ ओ ओ एक सेकंड भाई, इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है भाई। जो कॉनिसेक वगैरह में आपने साउंड सुना था ना सेम टू सेम वही वाला साउंड इस गाड़ी का है, उससे दो गुना ज्यादा बेटर है। अब आप लोग इसका साउंड सुनना ध्यान से, वैसे मेरे को पता नहीं एकदम आ रहा होगा क्लियर नहीं, बाकी सुनो जो क्रैकलिंग आ रही है ना वो पूरी लंबोगनी वाली है। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्कूटर जा रहा हो, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई ये साउंड मेरे को। आपको कैसा लगता है कमेंट में जाकर जरूर बताना। और अभी फिलहाल अपनी भाई पूरी चार गाड़ियां आ चुकी है, बाकी दो गाड़ियां और लेकर आनी है, जल्दी से जल्दी है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग वापस से अंदर चलते हैं। और भाई एक सेकंड, पीछे गैराज से चार पांच बंदे निकल कर आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, तेरी भैंस की निकल यहाँ से। भाई मुझे लग रहा था मैंने यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको मार दिया है, लेकिन यार इन लोग को अभी भी चर्बी चढ़ी हुई है और वहाँ पर गैराज में भी एक दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अंदर ना एक रेंज रोवर खड़ी हुई है और भाई वो गाड़ी तो आपको पता ही है मेरे को कितनी ज़्यादा सही लगती है। वैसे अगर इन कार को भी ले जाकर हम लोग थोड़े सस्ते में बेच देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब ओ भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा सही कार है। बट यार ये अपने ट्रेलर पर भी लोड नहीं होगी मुझे ऐसा लग रहा है। और अंदर एक, ओ भाई
तो गाइस फाइनली हमें क्वाड्रा मिल चुकी है। तो भाई यही वो कार है, फ्यूचरिस्टिक कार जो उस रेस में जीती थी डगन बॉस ने, मतलब दोबारा से वही कहूंगा, जीती किसी और ने थी, डगन बॉस ने छीनी थी। और फाइनली गाइस वो कार हमें मिल चुकी है। ये देखो उसका गेट कितना ज्यादा मस्त तरीके से बंद होता है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गाड़ी हमें मिलने वाली है, ऐसा लग ही नहीं रहा भाई किसी कार के अंदर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है भाई किसी रॉकेट के अंदर बैठ गए। इतने सारे बटन है, इतनी सारी डिस्प्ले है और ऊपर तक भी तीन चार डिस्प्ले लगी हुई है। फटाफट ओ भाई एक बार आप लोग इसका ये देखो भाई कितना ज्यादा सही है। फटाफट से ना गाइस इस गाड़ी को हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं। और इसकी मैंने आपको एक खास बात नहीं बताई, ये गाड़ी की खास बात ये है कि ये सिर्फ 3-4 सेकंड में 500 किलो, तीन चार नहीं कम बोल दिया, हाँ 10 सेकंड में 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ सकती है। तो उस कार को एकदम संभाल के यहाँ से निकालना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा था कि भाई वो ये गाड़ी इस टाइम पर घर में ही नहीं है, बट यार अपनी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि दूसरे गैराज में बंदे जो छुपे हुए थे वो हमें निकल कर आए मारने और गैराज खुला और हमें वाली जो गाड़ी है दिख गई है। फटाफट से ना कैसे इसको ले जाकर भी हम लोग पार्क करते हैं। उन मेरे हिसाब से अभी जो बाकी मर्सिडीज वगैरह ना उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी भाई मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। इतनी ही गाड़ियां हैं, इनको लेकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं भाई, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बाद में आकर उसे भी ले जाएंगे। अभी जो जो मेन सबसे बेस्ट कार थी ना मैंने यहां से बाहर निकाल लिया है। एक तो यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ड्राइवर कहां पर रह गया यार, इसे फटाफट से कॉल करके बुलाता हूं। जब मैं यहां पर आ रहा था ना तब मैंने उसे बोला था कि जल्दी से ट्रेलर लेकर यहां पर पहुंच जा, और अभी तक वो आया नहीं है। और लो भाई बैनी आ गया अपना, बट ड्राइवर नहीं आ पाया। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल अच्छी बात है, जल्दी से ना गाइस इसी के अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी गाड़ियां एक एक करके लोड कराते हैं और पहले इसे लेकर यहां से निकलते हैं। कुछ पता नहीं है ये जो बंदा अगर घर पर आ गया ना तो उसे पूरा सीन पता चल गया तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी बुला लेगा। और अभी तो मुझे ये नहीं मालूम कि आखिरकार इस घर का मेन मालिक कौन है। सबसे पहले इस गाड़ी को लोड कराते हैं, बाकी क्वाड्रा को मैं लोड नहीं कराऊंगा, उसको मैं चला के ले जाने वाला हूँ, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना भाई आगे से तो पतली है पर पीछे से बहुत ज्यादा चौड़ी है, तो वो ट्रेलर भी ना ढंग से आ नहीं पाएगी, मतलब पीछे से थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे, तो वो मेरे को सीन करना नहीं है। पहले इस गाड़ी को लो, भाई ये भी बहुत ज़्यादा चौड़ी है बट ये आ जाएगी यार। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं और जल्दी से भी इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। बैनी ने जो ऊपर वाला ट्रंक है उसे नीचे की तरफ में डाउन कर दिया है और पीछे वाला जो रैंप है उसे भी खोल दिया है। प्लीज़ यार आ जाए गाड़ी, बहुत प्यार से आएगी, बट अभी एक बारी थोड़ी सी ना रेस मारनी पड़ेगी रख के। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग ने अपनी शेवरलेट को इस ट्रेलर के ऊपर लोड करा लिया है, वो भी एकदम प्यार से, एक स्क्रैच भी नहीं आया गाड़ी पर। मुझे लग रहा था पीछे से थोड़े से जो इसके शार्क जैसे बाहर निकले हुए ना ये थोड़े भिड़ जाएंगे, बट ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो गाड़ी के इंटीरियर है भाई कितने ज्यादा बढ़िया है। अभी फटाफट से गाइस हम लोग गाड़ी से उतरते हैं और बाकी गाड़ियां भी फटाफट से लोड करवा देते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग ने एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां ट्रेलर के ऊपर लोड करा दी है और अभी ना फिलहाल बैनी ट्रेलर को लेकर निकल रहा है सीधा अपने शोरूम के लिए। तो अभी ना फिलहाल ये सीधा हाईवे वाले रास्ते से आने वाला है, क्योंकि जहां से ये ट्रेलर लेकर आया ना वहां से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी मुझे लग रहा था कि ये जो क्वाड्रा है वो इस ट्रेलर के ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, बट बैनी भाई साहब अलग ही महान कलाकार है, ऊपर वाले फ्लोर पर पता नहीं कैसे जैसे जैसे उसने जुगाड़ लगा के टिका दिया। भी फटाफट से हम लोग तो इधर शॉर्टकट से चलते हैं और जब ये सारी गाड़ियां आ जाएगी अपने शोरूम में इनको बेचेंगे, पता नहीं कितने की बिकेगी, कितने दिन में की बिकेगी कुछ नहीं पता। तो भाई अब ना हमें कुछ भी करके 800 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने हैं 2 दिन के अंदर, तभी हम लोग वाला शोरूम खरीद पाएंगे। मुझे नहीं पता अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लेस्टर से हेल्प मांगूंगा तो यार मेरे को लगता है वो भी मना ही कर देगा इस टाइम पर, उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। बाकी देखते हैं अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 9 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और यार मुझे ना कमेंट में जाकर जरूर बताना कि क्या हमें वो बड़ा वाला स्टोर खरीदना चाहिए 800 मिलियन डॉलर में। अब यार देखो अगर हम लोग खरीद भी लेंगे ना तो उसके बाद भी हमें उसके अंदर मॉडिफिकेशन के भी पैसे देने पड़ेंगे, और दूसरा सीन ये है कि उसके अंदर गाड़ियां लाकर जो खड़ी करेंगे वो भी भाई फ्री की तो आएगी नहीं, तो मतलब अपने पास उतनी ज़्यादा कार्स आएंगे है ही नहीं। मतलब अपना शोरूम भी बढ़िया है बट यार वो अलग बातचीत, आपने लुक देख ही लिया आगे इतना ज़्यादा बढ़िया, पार्किंग एरिया इतना ज़्यादा बड़ा उसमें बना रखा है। तो भी फिलहाल मैं पूरा कंफ्यूज हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ क्या करना चाहिए। और हाँ यार जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दे रहा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे सजेशन भी दे सकते हो कि क्या करना चाहिए। तो चलो यार जल्दी से फॉलो कर लो। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।